इस प्रोग्राम को कन्वीन कराने के लिए, इसको इस प्रोग्राम को कन्वीन कराने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, और मुझे लगता है जैसे जैसे अभी हम प्रोग्रेस करेंगे तो मेनी पीपल विल बी एबल, मोर पीपल विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट। स्टिल मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा इसमें हमारे आज के जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, श्री बीके सिंह साहब, डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्रीज गौतम बुद्ध नगर, और ये वाइस चेयरमैन भी हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल के। तो आज हमारा जो टॉपिक है सेफ्टी, कि हम ये गार्जियनशिप है बेसिकली, और इसमें हम लोग नॉर्म से ज्यादा ये कार्यशाला इस बात पैनल डिस्कशन इस बात पर है कि हम अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से छोटी छोटी चीजों को ओवरलुक ना कर किस तरह से अपना अपने आप को ज्यादा सेव कर सकते हैं, अपने मेहनत पर पानी ना फिरे, और चीजें कैसे कर सकते हैं। तो ये एक विचार बना हुआ है। देन वी हैव विद अस टुडेज हमारे राजीव बंसल जी, हु इज नेशनल सेकंड पैनलिस्ट। राजीव बंसल जी इज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट फॉर IIA, और ये CMD हैं सेलेस्टियल नेट्स के। देन वी हैव विद अस उमर साहब, ही इज सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, देन सेफ्टी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, सेफ्टी काउंसिल। देन वाईके गुप्ता साहब हमारे जो चेयरमैन है, जो इसके कर्णधार हैं, जिन्होंने ये सब सूत्र में पिरोया है आज हम लोगों के लिए, जो हमारे IIA की वर्किंग ग्रुप के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और आपकी एक HR मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। वाईके गुप्ता जी आपका भी स्वागत है। तो मैं इसके बाद इस प्रोग्राम को हैंड ओवर कर रहा हूँ आज के प्रोग्राम मॉडरेटर, जो हमारे मॉडरेटर एंड पैनलिस्ट श्री अंकुर संगल जी को, वो डायरेक्टर URF सर्टिफिकेशन लिमिटेड। तो ये हमारे मेंबर है प्लस ये डायरेक्टर ऑफ URF सर्टिफिकेशन। तो अंकुर जी, ओवर टू यू, वेलकम टू एवरीबॉडी। आपको आप अपना पैनल डिस्कशन प्रारंभ करें और हम लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाएं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी आ गए हैं। मैं हमारे अध्यक्ष जी अशोक अग्रवाल साहब का बहुत बहुत स्वागत करूंगा, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबको आशीर्वचन देकर 2 मिनट और इस मीटिंग को ओपन करें। प्लीज अध्यक्ष जी। धन्यवाद दिनेश भाई, आशीर्वचन की कोई बात नहीं, लेकिन बस इतना जरूर कहना है कि बहुत अच्छा वेबिनार होने जा रहा है कि हम लोग अपने फैक्ट्री को किस तरह से सुरक्षित रखें, आगे कैसे हम लोगों को देखना है। और निश्चित रूप से फैक्ट्री सुरक्षित रहेगी, उद्योग सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे और हमारे वर्कर सुरक्षित रहेंगे। काफी अच्छा वेबिनार हम करने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे सभी उद्यमियों को, गुप्ता जी, बीके गुप्ता साहब इस काम को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे मुझे मालूम है। अनिल गुप्ता साहब भी मौजूद हैं सर, निश्चित रूप से एक काफी अच्छा हमारे पास प्रेजेंट अनिल गुप्ता साहब भी मौजूद हैं। हाँ, धन्यवाद। एक्चुअली मैं पहुंच नहीं पाया हूँ, जहाँ मेरा भी कनेक्टिविटी प्रॉपर मिल नहीं पा रही है, मैं अपने मोबाइल से बात कर पा रहा हूँ अभी आपसे, 2-3 मिनट रोकते हो जाएगा सारी चीजें, लेकिन फिर भी बहुत ही सभी को, जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं खाली अभी मोबाइल से देख पा रहा था, इसलिए मुझे कुछ नहीं मालूम कौन क्या है, क्या किसमें कितने लोग हैं, कितने पार्टिसिपेंट है, लेकिन फिर भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर ये कार्यक्रम होगा। चतुर्वेदी साहब भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत ज्यादा आमंत्रित कर रहा हूँ पूरे कार्यक्रम में सभी लोगों को। तो शुरू किया जाए, समय खराब करने के बजाय तुरंत शुरू किया जाए। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे आज के मॉडरेटर अंकुर जी, प्लीज आप आगे कैरी करें पैनल डिस्कशन को, और अनिल गुप्ता साहब मैं देख रहा था, जीसी चतुर्वेदी साहब देख रहा था, हमारे पास्ट प्रेजिडेंट, दे आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर इस मीटिंग में। धन्यवाद गोयल साहब, मेरा आवाज आ पा रहा है सब तक? जी वाईके गुप्ता जी, मेरा वॉइस आ रहा है सब तो? हाँ सर, ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। धन्यवाद दिनेश गोयल जी आपका बहुत बहुत, और मैं सर्वप्रथम आप सभी को इस वेबिनार में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये वेबिनार एक ऐसे दिन आयोजित की जा रही है, हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, आज 4 मार्च है, और 4 मार्च हम सबका राष्ट्र इंडिया में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय, हमारे IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी, महासचिव, अपने व्यवसायों में होने वाले किसी दुर्घटना को बचा सकें, तो इस विषय पर
हमें यह अनुमति देने, मैं शुरू में ये कहना चाहूंगा कि हमें लेना है यह संकल्प, सेफ्टी का कोई नहीं है विकल्प, सेफ्टी का वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। और नेशनल सेफ्टी डे जो एक प्रयास है सभी के अंदर, जो भी सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश हैं जिनका हमें अपने व्यवसाय में पालन करना होता है, उन दिशा निर्देशों की जागरूकता को बढ़ाना। और आज ये IIA का एक यह प्रयास है कि इस मंच के माध्यम से जो भी उद्यमी इस वेबिनार से जुड़े हैं या जो भी उद्यमी जुड़े हैं और वो उद्यमी आगे जाकर इस पूरे प्रयास को, इस पूरे दिशा निर्देशों को आगे विस्तार से बताएंगे, तो इनको जागरूकता को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे बीच में हमारे जो चेयरमैन हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। अंकुर जी, मैं एक पॉइंट कहना चाह रहा था कि इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है प्रोग्राम की, we will circulate between members also, okay. जो जिससे कोई, कई लोग जो नहीं जुड़ पाए वो उनका बेनिफिट ले सके। धन्यवाद गोयल साहब, ये बहुत ही अच्छा कदम है कि हम इसकी रिकॉर्डिंग सभी को पहुंचाएंगे, तो जो जागरूकता का एक कदम है वो सभी तक पहुंच पाएगा। आज हमारे बीच में श्री YK गुप्ता जी, चेयरमैन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन मौजूद हैं। आप मैनेजिंग डायरेक्टर G5 HR मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के हैं, जो कि एक रिनाउंड कंपनी दिल्ली NCR में है, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लीगल और HR से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आपको बहुत लंबा अनुभव है नेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल सभी प्रकार के व्यवसायों के साथ, उनकी समस्याओं का समाधान, किस तरीके से उनमें एक्सीडेंट्स हुए हैं या उन जब एक्सीडेंट कोई हुआ छोटा या बड़ा, तो उसको कैसे उस समय पर उसको देखा गया, आगे उसकी पुनरावृत्ति को रोका गया। तो मैं आग्रह करूंगा श्री YK गुप्ता जी से कि आप अपने जो आपको अनुभव है उस सभी अनुभव से कुछ हमको प्रकाश डालें कि किस तरीके से हम अपने व्यवसाय में इन सभी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। श्री YK गुप्ता जी, प्लीज। थैंक यू। सभी को नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय अशोक अग्रवाल जी, हमारे आदरणीय श्री पंकज जी, श्री राजीव जी और हमारे मुख्य अतिथि श्री BK सिंह जी, सभी को नमस्कार। और बेसिकली आज का जो सेशन रखा है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने, जो कि बहुत अच्छे इस तरीके के कंट्रीब्यूशंस कर रही है इंडस्ट्री के लिए, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि भाई अवेयरनेस सेफ्टी का इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री और सेफ्टी को आप अलग नहीं कर सकते, तो इंडस्ट्री में सेफ्टी के क्या क्या मेजर्स हैं, उसको सुचारू रूप से कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। और आज का सेशन कोई थ्योरेटिकल या कोई स्लाइड शो नहीं है, आज सिंपली सभी से आग्रह ये है कि इस सेशन को इंटरेक्शन बनाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स करें इसमें अपने अपने इंडस्ट्री से संबंधित, ताकि आपका एक क्वेश्चन सभी को एक अवेयरनेस प्रदान करेगा। यहाँ पे देखिए, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फीलिंग सेफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एक्चुअली ए सेफ हाउस, ए सेफ जॉब, ए सेफ वर्किंग प्लेस एवरीबडी डिजायर्स, एंड फॉर दैट पर्पज द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन फ्रेम्ड, सोसाइटी हैज डेवलप्ड मैनी पॉलिसीज। ओनली थिंग वंस वी स्टार्ट द सेफ्टी वर्ड, बेसिकली सेफ्टी वर्ड इज कंप्लीटेड बाई ABC ओनली, ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बी, सी फॉर केयरफुल। इफ यू आर ऑलवेज ऑलवेज बी केयरफुल, दैट इज द फर्स्ट टिप ऑफ द सेफ्टी। आपको हर समय सावधान रहने की जरूरत है। सेफ्टी से रिलेटेड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में आज चर्चा होगी, क्योंकि सेफ्टी एवरीवेयर संबंधित एक सब्जेक्ट है। इसको हमारे इंडस्ट्री में सभी लोग सेफ्टी चाहते हैं, जितने एम्प्लॉयर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे। और एक सेफ एनवायरनमेंट देना एक उनका एम्प्लॉयर का ड्यूटी भी बनता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए हैं, रूल्स फ्रेम किए हैं, जिनके कुछ प्रोविजंस को, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, तो हमारे आदरणीय ब्रिजेश जी जो डायरेक्टर फैक्ट्रीज हैं वो इस पर प्रकाश डालेंगे। और
देखिए इसके लिए स्ट्रक्चर्ड क्या है, सबसे पहले हमें फोकस करना है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे। व्हाट इज सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये समझना है हमको। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए स्टेप्स हैं। इसके लिए देखिए क्या है, एक सेफ्टी प्लान, एम्प्लॉयर को सबसे पहले एक सेफ्टी प्लान डेवलप करना है कि भाई हमारी इंडस्ट्री में व्हाट इज आवर सेफ्टी प्लान। देन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस, पॉलिसी क्या है सेफ्टी की, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, प्रोसेसेस क्या हैं, वो हमें डिजाइन करना है। देन जब हमने डिजाइन कर लिया तो फिर है भाई ट्रेनिंग एंड इंडक्शन, हाउ टू ट्रेन आवर एम्प्लॉयज फॉर द सेफ्टी, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज विदाउट ट्रेनिंग द कल्चर ऑफ द सेफ्टी विल नॉट बी इनकल्केटेड रादर। देन इट इज टू बी मॉनिटर्ड, रेगुलरली मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट, सुपरविजन इज इम्पॉर्टेंट एंड रिपोर्टिंग बेसिकली। सो दीज आर दी सिक्स एलिमेंट्स ऑफ द आवर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो वी हैव टू डेवलप ए सेफ्टी प्लान, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड रिपोर्टिंग बेसिकली। सो यू लुक एट दैट टू अचीव दिस गोल सिस्टम बेसिकली वी हैव टू कंक्लूड इन थ्री ईज दिस लाइक एवोल्यूएशन, एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट। We have to evaluate risk assessment, you know, hazard assessments, everything, evaluation. Once we evaluate that, then we have to educate the employees. Once we educate the employees, then we have to enforce our system. So we should work on these three E's. We are discussing here in short, actually, we are just giving the tips how we should develop. For any detailed thing, हमारे बीच में हमारे अंकुर संगल जी बहुत 20 साल का उनको एक्सपीरियंस है इस एरिया का, सेफ्टी मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, बहुत सारे ऑडिट करते हैं। यूआरएस वेरिफिकेशन एक नो एजेंसी है, ग्लोबल एजेंसी जो सर्टिफिकेट्स देती है, तो इसके बारे में वो भी चर्चा करेंगे। और हमारे बीच होने से उनका ये बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आंसर का जवाब हमको मिलेगा उसमें। तो मैं समझता हूँ कि अंकुर जी एग्री करेंगे जो एक मैनेजमेंट सिस्टम हमें डेवलप करना है। और मैं ब्रजेश जी से इस पर थोड़ा सा कमेंट लेना चाहूँगा कि ये जो हमारे सिक्स एलिमेंट्स हैं और जो एवेल्युएशन, एजुकेशन, एनफोर्समेंट सिस्टम है, क्या ये एक राइट डायरेक्शन में है? ब्रजेश जी, उपस्थित गुप्ता जी, बंसल जी, एनएससी से उमर जी एवं अन्य सभी उपस्थित सम्मान्य साथियों को मेरा नमस्कार। गुप्ता जी ने काफी कुछ एनलाइटमेंट डाला सेफ्टी पे। जैसे आप सिक्स पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो आप, मैं एक्चुअली आपका व्यू समझना चाह रहा था कि आप गवर्नमेंट के डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं या फैक्ट्री की, क्या मतलब ओपिनियन किस तरह? एक्चुअली मेरा ये था कि मैं मान लीजिए एम्प्लॉयर हूँ और मुझे सेफ्टी डेवलप करना, सेफ्टी का एक सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम लाना है अपनी इंडस्ट्री में, तो मुझे क्या एलिमेंट्स की जरूरत है कि भाई एक सेफ्टी प्लान डेवलप करना है, पॉलिसीज डेवलप करनी है, प्रोसीजर डेवलप करना है, प्रोसेसेस डेवलप करने हैं, ट्रेनिंग देना है, मॉनिटरिंग करना है, सुपरविजन करना है और रिपोर्टिंग करना है। सो इट इंक्लूड्स एक्चुअली द प्रोविजंस आल्सो बिकॉज प्रोविजंस आर मेंट फॉर दैट बेसिकली। सो क्या ये जो हमारे छह स्टेप्स हैं, ये आप इनको अप्रूव करते हैं सर? एक्चुअली मैं ब्रजेश जी एक मिनट एक चीज कहना चाहूंगा। गुप्ता जी ने बिल्कुल ठीक बात बोली, वी एज इंडस्ट्रियलिस्ट रनिंग आर इंडस्ट्री हैव टू एंश्योर कि भाई वहां पे हमारी, हमारे वर्कर की और हमारी प्रॉपर्टी की सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, चाहे वो फायर से, चाहे इलेक्ट्रिक शॉक से या किसी भी एक्सीडेंट से। डेफिनेटली हम में से, मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा उद्यमी होगा जो ये चाहता होगा कि सेफ्टी उसके यहाँ ना हो। और सरकार ने भी जो कायदे कानून बनाए हैं इस चीज को दिमाग में रख के बनाए हैं। प्रश्न यहाँ जो केवल हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या सेफ्टी मेजर हम लें जिससे गवर्नमेंट के रूल्स का भी पालन हो जाए और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी अपनी और हमारे कर्मचारी की सिक्योरिटी हो जाए, परंतु अप्रोच वो लेके चलें जो प्रैक्टिकल हो और प्रैक्टिकली संभव। ओवर टू यू। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें अब इस चीज को दो पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें,
जैसे आप मतलब गवर्नमेंट अप्रोच का भी बात करें तो अभी जो नए कोड आ रहे हैं उसमें काफी कुछ चीजें कंप्लायंस बर्डन जो आप बता रहे हैं इंडस्ट्री लिस्ट पे कुछ काफी रहता है वो चीजें कम कर दी, और जो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल वाली जो आपने बात कही जैसे गुप्ता जी भी कह रहे थे हैजॉब जहाँ जरूरत है या सेफ्टी ऑडिट और इस तरह के क्राइटेरिया जो स्पेसिफिक हों आपके लिए भी प्रैक्टिकल हों वो अब शुरू होने जा रहे हैं, उसमें काफी चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी जल्दी जब भी वो कोड इम्प्लाई होगा तो, और काफी कंप्लायंस बर्डन कम भी हो जाएंगे जिससे इतना कंफ्यूजन ना हो, जो चीजें जरूरी हैं रिगार्डिंग सेफ्टी वही रहेंगी, ओएसएच कोड इसलिए नाम ही उसका ये दिया गया है ओएसएच, तो ये चीजें काफी इजी हो जाएंगी, तो आपको वही जो अगर कोड को ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफी सेफ्टी का कंप्लायंस आपकी सेफ्टी भी हो जाएगी कंप्लायंस भी हो जाएंगी और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा रजिस्टर वगैरह वो काफी चीजें कम भी होने जा रही है। अब जैसे गुप्ता जी बताया ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, सही बात है, ट्रेनिंग हो गया सुपरविजन ये सब अभी पार्ट हो जाएंगे, ऑडिट हो गया हेजॉफ हो गया, अभी पहले कुछ चीजें मैंडेटरी थी कुछ चीजें आपकी चॉइस पे थी, पर अब ये हो जाएगा कि जहाँ चीजें जरूरी है वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएंगी मतलब एज पर लॉ भी रहेंगी तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा अभी। पर हम जैसे आज नेशनल सेफ्टी डे है तो इस चीज पे इस डिस्कशन पे आगे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम जो सेफ्टी की आज एनएससी की प्लेज है प्लेज जो आज हमें प्रतिज्ञा लेनी है वो ले ली जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सेफ्टी से रिलेटेड काफी एक्सपीरियंस हैं उमर जी हैं हमारे एनएससी के सेक्रेटरी भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पहले हम सब लोग एक प्रतिज्ञा ले लें जो गवर्नमेंट बनाई है और आज का थीम भी है नर्चर यंग माइंड एंड डेवलप सेफ्टी कल्चर, ये आपका एनएससी का आज का थीम भी है, तो मैं उमर जी को ये आग्रह करना चाहूंगा कि प्रतिज्ञा जो लेनी है हमें आज वो उसके बाद फिर ये आगे की चीजें शुरू करी जाए जो क्योंकि जो थीम है उससे शुरू हो जाए। थैंक यू सर जी। उमर जी आप अनम्यूट, उमर जी आप अनम्यूट कर लें साहब। उमर जी मुझे लग रहा है शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं म्यूटेड है सर, म्यूटेड है एक्चुअली, अनम्यूट करें। उमर जी आप अनम्यूट करिए। हाँ यस उमर सॉरी, चलिए वो सुन नहीं पा रहे हैं तो हम प्रतिज्ञा शुरू करते हैं। जी आज की तो जो आज इस साल के 2022 के लिए जो बनाई गई है सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रतिज्ञा, मैं शुरू करता हूँ, मैं आप चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करेंगे। ठीक है। आज के दिन मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पुनः अपने आप को सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूंगा, नियमों विनियमों कार्य विधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक अभिवृत्तियों एवं आदतों का विकास करूंगा। मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटनाएं और व्यावसायिक बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती हैं तथा यह विकलांगता मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं संपत्ति की क्षति सामाजिक कष्ट और पर्यावरण के निकृष्ट होने का कारण बनती है मैं अपने परिवार संगठन समाज राष्ट्र
के हित में इन दुर्घटनाओं व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए प्रयास करूंगा। तो ये 2022 की प्रतिज्ञा थी, अच्छा लगा आप सबने प्रतिज्ञा ले ली। तो अब जो आपका क्वेश्चन था जो आप के प्रोसेस क्या रहे, अब जैसे काफी चीजें बहुत इजी हैं, जैसे व्हाट्सएप पे भी पहले हमारी लास्ट मीटिंग भी हुई थी IIA में कि ग्रुप बनाए जा सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल वगैरह वहाँ पे आते हैं तो हम वहाँ पे शेयर करेंगे। और गवर्नमेंट ने भी अब कोड इस तरह से बना दिया है कि जो आपको रिलेटेड चीजें हैं सेफ्टी वगैरह जब लागू होगा जो भी, उसमें प्रोसीजर ऑलरेडी दे रखे हैं, अगर आप उन्हीं को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और टिपिकल भी उतना नहीं है, अब एक्ट उतना मोटा नहीं रहेगा, जो रियल की चीजें हैं जो आपसे रिलेटेड वही रहेंगी। इस पे कोई और क्वेश्चन हो तो आप बताइए। ब्रिजेश जी, हमने बात की ट्रेनिंग से लेके, और ट्रेनिंग में ये मानता हूँ कि बहुत ही एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि जब तक हम लोगों को पता नहीं होगा जब तक सुरक्षा से बचाव कैसे, मतलब दुर्घटना से बचाव कैसे किया जाएगा। श्योर श्योर श्योर। इसमें मैं ये और ऐड करना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि एक मॉक ड्रिल है, ट्रेनिंग करा के उसको टेस्ट करना, उसका कितना महत्वपूर्ण रोल है? क्या आप इस बारे में कुछ और प्रकाश डालेंगे जिससे हम सबको पता चले इस बारे में? देखिए, जैसे मॉक ड्रिल है वो रिलेटेड मोस्टली रिलेटेड टू फायर होती है। अब जैसे अगर अगर आपके वर्कर्स को पता है कि अगर फायर हुई है तो मतलब अगर कहीं धुएं में फंस गए तो मुंह पे गीला कपड़ा लगा के निकलना है, या एस्केप रूट क्या है, ऑन इमरजेंसी प्लान क्या है, ये सब पता रहेगा तो उसमें पैनिक नहीं रहेगा। जैसे आप अगर मॉक ड्रिल कराते रहेंगे तो उनके हैबिट में आ जाएगा। तो हो सकता है कि जब कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो सारे वर्कर अपने आप सेफ पोजीशन में पहुंच जाएं, वरना एकदम से कुछ क्रिएट होगा तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मॉक ड्रिल एक तरह से एक्सरसाइज रहती है, जैसे आपने देखा होगा NDRF और भी लोग अपनी ड्रिल करते रहते हैं, जबकि आर्मी वाले, आर्मी से रिलेटेड जितने पीपल आपने देखे होंगे वो एकदम अलर्ट पोजिशन में रहते हैं, भले ही कुछ हो ना हो, पर उससे क्या है हमारी बॉडी और हमारे सेंसेस बड़े अवेयर रहते हैं, इसलिए मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। तो क्या ब्रजेश जी, मॉक ड्रिल एज पर फैक्ट्रीज एक्ट मैंडेटरी है, और क्या पीरियड्स हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश? हाँ, मॉक ड्रिल मैंडेटरी है फैक्ट्री एक्ट में, एक रूल एक्ट में सब दिया हुआ है, और मोस्टली तो क्वार्टरली है, पर ज्यादातर कंसर्न फायर से है, पर फैक्ट्री एक्ट में भी इसका प्रोविजन दिया गया है, सेक्शन 38 और रूल 61। तो यानी के हमें समझना चाहिए कि मॉक ड्रिल एक मैंडेटरी है और सभी कंपनियों में इंडस्ट्री के अंदर मॉक ड्रिल कराना है, क्वार्टरली कराना है, उसका रिकॉर्ड कर रखना है। ज्यादातर फैक्ट्री वाले में मैंने देखा इंडस्ट्रियल खुद ही कराते हैं, और गारमेंट्स में भी काफी जगह, क्योंकि उससे थोड़ा अवेयरनेस रहती है। और यहाँ जो जो मेजर इंडस्ट्री है गारमेंट, फायर हजार्ड ही है उसमें, और तो कोई हजार्ड है नहीं है जी, मेजर हजार्ड है प्रोबेबिलिटी। एक ब्रजेश जी, एक हजार्ड आता है कई बार माइंड पे कि वर्कर नाइट शिफ्ट चल रही है, वर्कर जो है कोई नशा करके आ गया, या उसने पूरे दिन प्रॉपरली स्लीप नहीं ली, वो कहीं और काम कर रहा है बिना बताए, और यहाँ पर गेट एंट्री लेने के बाद वो अंदर जाके सो गया और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया। बात आपकी एकदम सही है। अगर हम उसको उसके ऊपर आरोप लगाते हैं तो वो इतना गरीब है कि वो उन चीजों को पूरा नहीं कर पाएगा, उसकी सर्विस ड्यूज करने के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे में इंडस्ट्रीज क्या प्रिकॉशन ले सकती हैं सर, जिसकी वजह से इसमें इसके लिए प्रोविजन दिया गया है भाई साहब फैक्ट्री एक्ट में। जैसे इसमें ये है कि जब कोई ऐसा वर्कर दिखे, वहाँ आपके यहाँ एक सुपरविजन की बात कही गई है कैबिनेट में, कि जब जो सुपरवाइजर होंगे अगर ऐसा मूवमेंट होगा, सुपरवाइजर का मूवमेंट वहां रहेगा तो उन्हें दिख जाएगा कि बंदा सो रहा है या काम कर रहा है या कुछ एक्टिविटी ऐसी दिख रही है कि वो कॉन्शियस नहीं है, तो वो डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए कहा गया है कोई ऐसा वर्क होगा तो सुपरविजन मस्ट है। पर ब्रजेश जी, एक चीज है जनरली हमने देखी है, वर्कर जब सोता है तो वो सामने नहीं सोता, वो चुपचाप फैक्ट्री के किसी कोने में जाके सोता है। नहीं तो जैसे ये सुपरविजन, इसीलिए एक सुपरवाइजर पूरी फैक्ट्री नहीं दे सकता, सेक्शन वाइज रहते हैं। अब उस सेक्शन में कोई वर्कर मिसिंग है तो उसे ये आइडिया लग जाएगा कि बंदा मशीन खाली है, ये बंदा यहाँ पे नहीं है। सुपरवाइजर भी तो वर्कर ही है। नहीं तो उसे उसकी जिम्मेदारी तो है, उसे जिम्मेदारी है। जहाँ जिम्मेदारी लेफ्ट होगा वहाँ दिक्कत आ सकती है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें बड़ी एक
समस्या आ जाती है। हमने तो यहाँ तक करा कि बंकर बनाए, हमने कहा दो घंटे आपने सोना आके सो जाइए, हम आपको कंपेंसेटरी ड्यूटी किसी और टाइम पे दे देंगे। अब उन्हें रात की कंपेंसेटरी ड्यूटी दिन में चाहिए, कैसे दें? दिन वाला कैसे अलाउ करेगा अपनी ड्यूटी? सुपरवाइजर वर्कर है अभी, है पर अभी जो कोड लागू होने जा रहा है उसमें वर्कर नहीं है, वो उसको कैटेगरी चेंज कर दी गई, अब उसको मैनेजेरियल और उस कैटेगरी में आ गया है, तो आप आ जाएंगे मतलब कमिंग में, तो आप उस पर फिर उसी हिसाब से एक्शन भी ले सकते हैं। अब वर्कर कैटेगरी में नहीं रहेंगे, वो एम्प्लॉई कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आपको उसमें रिलैक्स मिल जाएंगे, कुछ पावर्स मिल जाएंगे उनपे एक्शन लेने के लिए। अभी जो भी 3-4 महीने में जब भी इम्प्लीमेंट होगा, अब वो कैटेगरी चेंज कर दी गई है। पहले तो ये था कि ऑल आर वर्कर एक तरह से कैटेगरी थी, अब सुपरवाइजर को एक वर्कर रहेगा, उसके अलावा एम्प्लॉयज कैटेगरी में सभी रहेंगे, तो उन पर डिसिप्लिन एक्शन लेना आपके लिए इजी रहेगा अगर कोई जॉब सही से नहीं करता, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर दी गई है। ब्रिजेश जी, एक टर्मिनोलॉजी और यूज होती है सेफ्टी ऑफिसर की। यस यस, कि हमको रखना होता है सेफ्टी ऑफिसर, और उसके साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी आती है फर्स्ट एड टीम। यस यस यस, तो इसके बारे में भी बहुत कंफ्यूजन कभी कभी रहता है कि सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा, फर्स्ट एड टीम क्या होगी, क्या इनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है और कहाँ से ट्रेनिंग दे सकते हैं ये लोग? फर्स्ट एड में, फर्स्ट एड के लिए ट्रेनिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं, जहाँ आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें एक्ट में दिया हुआ। अब मेजर पोर्शन जो सेफ्टी ऑफिसर वाला आपने पूछा, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दिए, कहीं बीटेक है या फिर आरएलआई से डिप्लोमा, काफी चीजें डिसाइड कर रखी हैं, तो वही लोग हो सकते हैं, नॉर्मल नॉन टेक्निकल बंदा नहीं रहेगा। और सेफ्टी ऑफिसर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका आपकी इंडस्ट्री में। अगर जी जी जी, अगर वो अपना रोल सही से निभाएंगे तो आपकी मतलब जॉब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि जो भाई साहब ने पूछा था अभी कि रात में सो गया या हो गया, तो वो अपना सिस्टम डेवलप करेंगे, सुपरवाइजर से फॉलो अप लेंगे कि कोई सो तो नहीं रहा या वर्किंग आवर्स पे, ये उन्हीं की ड्यूटी है एक तरह से, आप लोग डिफाइन कर सकते हैं उनकी ड्यूटी में। तो सेफ्टी ऑफिसर इस तरह से चेक पॉइंट बना सकते हैं, जहां प्रोबेबल हजार्ड आपको लगते हैं कोई प्रॉब्लम जैसे सोने वाली है, तो उसके लिए वो चेक पॉइंट बना के अपना एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं सेफ्टी ऑफिसर, क्योंकि उनको सेफ्टी से रिलेटेड काम है, तो आपका काम बड़ा इजी हो जाएगा अगर वो अपनी ड्यूटी सही। कोमल प्लीज म्यूट कर दीजिए बाकी लोगों को, आवाज साउंड नहीं आ रही। अविनाश जी ये पूछना चाह रहे हैं ब्रिजेश जी कि आरएलआई से डिप्लोमा होना जरूरी है, इसमें मैं साथ में एक और चीज जोड़ देता हूं कि आरएलआई से डिप्लोमा होल्डर जो सेफ्टी के हैं उनकी जो सैलरी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा होती है, जो कि एक नॉर्मल व्यवसायी नहीं उसको अपने ऊपर डालना चाहता। एक्चुअली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से उसकी ट्रेनिंग जरूर, सेम इनको दो तरह से समझाता हूँ आपको, सेफ्टी ऑफिसर और डॉक्टर में भी, डॉक्टर में भी आरएलआई से 3 मंथ का कोर्स चाहिए होता है। फर्स्ट पार्ट में सेफ्टी ऑफिसर बता देता हूँ कि आरएलआई इसलिए जरूरी है कि वो गवर्नमेंट बॉडी है, वरना आप किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से भी हो ट्रेनिंग उनकी, तो वो बता देते हैं कि प्रोबेबल क्या हजार रहते हैं, क्या सीखना है, वो काफी ट्रेनिंग सही रहती है। अब तो सैलरी वाली जो बात है आपकी, तो वो सैलरी कोई डिफाइंड कर नहीं रखी है एक्ट में, वेलफेयर ऑफिसर की सैलरी डिफाइंड है पर सेफ्टी ऑफिसर की नहीं है, और इसके लिए अभी वैसे अभी डाला गया है जो नया कोड आ रहा है, हो सकता है उसमें ये चीज हट भी जाए। ऐसा संभव है ब्रिजेश जी के जो आरएलआई के डिप्लोमा होल्डर्स हैं या कोई सीनियर फैकल्टी है उससे हम एक ट्रेनिंग करा के अपने अपने जो टीम की कुछ लोगों की और उनको हम वो रोल दे सकते हैं? इसके लिए हमने प्रोविजन भेजा तो है इस बार, पर अभी ये रूल में जो अप्रूव होके आएगा वो रहेगा, पर आरएलआई में ट्रेनिंग काफी अच्छी हो जाएगी। आप किसी जैसे आपने रिक्रूटमेंट कर लिया उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए भेज दीजिए उन्हें बीच में। कहीं कहीं पर ब्रिजेश जी आपके जैसे एनएससी की बात करें हम, नेशनल सेफ्टी काउंसिल की, तो आप लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराते हैं सेफ्टी के ऊपर। ओके, यस यस, तो वहां पर भी शायद इस तरह की जानकारी मिल सकती है। हाँ वो मिल सकती है, जैसे आपने आपको ये प्रॉब्लम है अगर सैलरी रिलेटेड, तो पहले आप रिक्रूटमेंट कर लीजिए और उसके बाद ट्रेनिंग पे भेज दीजिए। जी जी जी, तो इजी रहेगा आपके लिए। कोई और क्वेश्चन आप लोग? ब्रिजेश जी, ये जो सेफ्टी ऑफिसर कि जो एज पर लॉज एंड रूल्स एप्लीकेबिलिटी है, कितने वर्कर्स या कितने फैक्ट्री लाइसेंस पे है, कितने वर्कर्स के? जो जनरल फैक्ट्री आपकी जो गारमेंट्स हैं उनमें 1000 वर्कर पर है, और जो मेजर हजार्डस हैं उनमें सब पर है, और कुछ फैक्ट्रियां होती हैं 2C में सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है उनमें भी कम वर्कर पर आपके लिए तो 1000 ही है जो गारमेंट्स बेसिकली आप।
1000%। पर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पे जितने भी अभी लोग अटेंड कर रहे हैं सेमिनार को, वो गारमेंट के अलावा बहुत सी और अन्य उद्योग से भी हैं, तो आप तो मैं इसलिए आपको तीनों कैटेगरी बता दी मैंने आपको। एमएएच में सब में चाहिए, गारमेंट्स में 1000 है, और 2CB में जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड यूज करती है वहाँ 50। ठीक है, और इंजीनियरिंग कंपनी में ब्रिजेश जी? इंजिंग तो वही आ गई, 1000 ही हो गई सब। एमएएच में अलग रेट है, बस मेजर हजार्ड, मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड। वैसे अभी चेंज होने वाला है ये सब, इसमें भी अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, हो सकता है लिस्ट आगे पीछे हो जाए 2-3 महीनों में, या बढ़ हो सकता, प्रोबेबिलिटी कम ही होने की है, कम वर्कर पे एप्लीकेबिलिटी की। सो इन एनीथिंग इन लॉ वेयर वी हैव टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज अबाउट we are having the safety officer in our organization? Yes sir, आप सेफ्टी ऑफिसर कुछ जो सेफ्टी वर्क करेंगे उनका रिटर्न देना है उन्हें, तो ये एक्चुअली ईयरली कुछ कंप्लायंस हाफ ईयरली रहती हैं, सेफ्टी मिनट्स हैं वो, सेफ्टी कमेटी वो क्वार्टरली रहती हैं, तो वो तो लॉ में दिया गया है कि आपको इन्फॉर्म करना है आइदर अब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा अब सभी 3 महीने बाद, वैसे अब भी है आप ईमेल से कर सकते हैं, अभी जो कोड आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड आ जाएगा, तो आप ईमेल कर सकते हैं रिपोर्ट, या कुल मिला के आपकी इलेक्ट्रॉनिकली में व्हाट्सएप भी आ जाएगा एक तरह से, फिर तो काफी हो जाएगा। अभी तक ये है आप ईमेल से भी भेज सकते हैं, पर ये है कि ज्यादातर लोग अवेयर नहीं है इसलिए शायद भेज नहीं पाते, पर बाद में जब ऊपर से सूचना मांगी, एक्चुअली मुंबई में है डीजी फास्टली ऑफिस, वहां से हर एक साल डाटा मांगते हैं या चिट्ठी से फिर मंगाना पड़ता है, आप लोग खुद भी भेजेंगे तो हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसा एक सज्जन ने सवाल पूछा था वो बहुत अच्छा लगा कि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस तरह का हो जहाँ पे हम अपने सेफ्टी ऑफिसर को भेज के ट्रेनिंग करा दे। ये हैं, जैसे आपके पास में आरएलआई फरीदाबाद है, यहाँ भेज सकते हैं आप, कानपुर में है, और सेफ्टी से रिलेटेड तो ये हैं, बाकी मुंबई में है, अभी और भी बन रहे हैं आरएलआई, और एनएससी में भी हो जाती है ट्रेनिंग, तो वो तो आप रिक्रूटमेंट करने के बाद भी भेज सकते हैं। ठीक है, और इसमें आजकल सर क्योंकि ये डिजिटल टाइम हो गया है और पैंडेमिक में ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी शुरू हो गई हैं, तो काफी जी ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई थी, हमने कुछ लेटर भेजे भी थे जो कॉमन इंडस्ट्री ज्यादातर हजारस में ही भेजते हैं, अब ये किया करेंगे कि आगे से ग्रुप में डाल दिया करेंगे, जब वो ऑनलाइन वाला आए तो हम ग्रुप में भेज दिया करेंगे, तो जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा ऑनलाइन ही हुई है इस साल ज्यादातर ट्रेनिंग, काफी ट्रेनिंग हुई। ब्रजेश जी एक बड़ा ये सवाल उठता है, जब कभी किसी फैक्ट्री में कारखाने में कोई एक्सीडेंट होता है सर, तो नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे जो चाहे उनके कोई डील नहीं कर पाते हैंडल, और ऑक्यूपायर जो है वो और फैक्ट्री मैनेजर रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उसके लिए, तो आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि किसी इंडस्ट्री में अगर कोई एक्सीडेंट होता है फेटल है या कैसे, तो उसको कैसे हैंडल करें, क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंट यू नो फॉर्मेलिटीज हैं जो मैंडेटरी हैं, तो थोड़ा सा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका अवेयरनेस होगा सर। मैं इसमें दो तरीके से बताता हूँ, एक तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है और दूसरा ह्यूमन ट्रेनिंग ग्राउंड क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास नंबर है तो सबसे पहले फोन करके डिपार्टमेंट को, जैसे हमारे यहाँ ADF या DDF जो भी कंसर्न है, इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको 48 घंटे में फॉर्म 18 देना है जो उसकी रिलेटेड जो भी फर्स्ट, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी है, फिर उसकी बेस पे जांच होती है, अगर वो डिले हो जाता है तो वो भी एक ब्रीच बन जाती है एज पर एक्ट। अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये है कि ठीक है आपने इन्फॉर्म कर दिया फॉर्म 18 दे रहे हैं, वर्कर का पहले केयर करिए, वही रिलेटेड है, वो आप लोग करते भी हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, फिर नॉर्मली है कि वहां से जांच हो जाती है, अगर कोई इशू है जैसे अब रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्ट ज्यादातर जांच एक्सीडेंट में वही होती है, तो आप मेरा नंबर रखिए, कोई इशू है तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं इस जोन के लिए, तो बाकी और जैसे कोई स्पेसिफिक कोई बात है तो बताइए, लीगल फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी यही है कि आपको इन्फॉर्म करना है। एक सेकंड बताना चाह रहा था मैं जैसे हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं जी तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है जी, किसी ने कुछ डॉक्टर से मिसबिहेव किया, कोई तोड़ फोड़ करी, कुछ करा, तो इस धारा के अंतर्गत इतने साल की सजा, इतने साल की सजा, इतने साल का कैद, इस तरह का लिखा रहता है जितने भी स्कूल में हम जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ हुआ करती थी पहले, कोई पेशेंट मरा नहीं तुरंत लोगों ने छीना झपटी शुरू कर दी, तो वहां पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ 3-4 जगह घुसते ही,
और इसी तरीके से मैं देखता हूँ स्कूलों में भी अब कर दिया गया है। यस यस, तो क्या इस तरह की कुछ प्रैक्टिस की भाई अगर कोई भी घटना दुर्घटना होती है इस नंबर पर संपर्क करें, इस नंबर पर बताएं, लेकिन वर्कर या उसके आसपास के लोग किसी भी प्रकार के ऑक्यूपायर के साथ और जो भी रोजगार देने वाला उसके साथ किसी तरीके की कोई घटना दुर्घटना करता है, मिसबिहेव करता है, मारतोड़ करता है, तो इसके लिए ये धारा है, ये चीजें हैं, ऐसी चीजें कुछ अगर ऐसा लिखा जाए तो शायद मैं समझता हूँ कि जो एक टेरर नहीं, डर नहीं रहता कि भाई चलो फैक्ट्री ऑफिसर है, मैनेजर है, भाई आपको तो मालूम होगा कि मारुति के ही में कांड हो गया था काफी साल पहले की बात है, और मारुति जैसी संस्था में कांड हो गया था। तो मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर, इस पर भी कोई विचार हो कि भाई इस तरह का एक बोर्ड आपको लगाना है, तो इससे भी काफी इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है कि अगर ऐसे बोर्ड लगने लगे तो जो मारधाड़ होती है। तीसरी बात ये कि पहले एक दो बार लेटर भी निकलवाया हम लोगों ने प्रयास करके गवर्नमेंट से, हम जब भी मिलते हैं डीजीपी वगैरह से या होम सेक्रेटरी से, इस बारे में भी है कि सबसे ज्यादा केयर हम ही कर सकते हैं अपने स्टाफ वर्कर की, उसके बावजूद भी उनकी दिक्कत नहीं होती, अगल बगल वाले एमपी एमएलए ग्राम प्रधान ब्लॉक प्रमुख नेतागण उनको ज्यादा तकलीफ होती है कोई भी छोटी मोटी घटना के बाद, वो जरूर इस पे हिंडेंस पैदा करते हैं। इसके ऊपर भी कुछ नियम ऐसा होना चाहिए कि सारे नियम वर्करों के लिए तो हैं, एम्प्लॉयर जो कि रोजगार देता है सारी चीजें वो भी तो आखिर में फैक्ट्री में मैक्सिमम समय बैठता है, वर्कर से ज्यादा बैठता है, उसको भी दिक्कतें रहती हैं हर तरीके की, उसके फेवर में कुछ नियम ऐसे रहने चाहिए कि भाई अगर कोई बात आती है, घटना आती है, तो उसके ऊपर कोई मारतोड़ करने वालों के ऊपर या कोई बदमाशी करने वालों के लिए कुछ ना कुछ सजा के प्रावधान अच्छे होने चाहिए, ऐसा मेरा सोचना और मानना है। उसमें ऑलरेडी है एक्चुअली आईपीसी में काफी प्रोविजन है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी नियम से जांच होगी, कोई मारतोड़ का कोई किसी को राइट नहीं है, अगर ऐसा होता है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस भी उनके साथ मिल जाती है कि उन्हें लगता कि यही बस नरम मांस यही है, इसी को नोचा खाया जा सकता है, तो वो मेनली पुलिस वाले भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, भाई ठीक है सेठ जी को बुला लीजिए, विनय साहब को बुला लीजिए, दो मिनट अंदर बैठा दीजिए, जहाँ दो मिनट बैठाने की उन्होंने बात करी, अभी तो वो केवल केबिन में बैठाने की बात करते हैं, अंदर दूसरेंगे नहीं, इतने में ही नोचा कचोटी शुरू हो जाती है। इन चीजों पर उन लोगों को कि ये मालूम होना चाहिए कि ये एम्प्लॉयर हैं, रोजगार देने वाले लोग हैं, इनके साथ मिसबिहेव किया जाना बहुत गलत। रेल एक्सीडेंट होता तो रेल मंत्री साहब तो कुछ नहीं करता, शांतिपूर्वक रोज जाने का अधिकार है, पर हाँ जो रूल है वो ये है अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म करना है, नियमानुसार जांच होगी, और पुलिस का राइट ये है कि वहाँ कोई मॉब ना हो और किसी तरह की किसी एम्प्लॉयर के साथ कोई नेगेटिव कमेंटिंग या कुछ भी ना हो, जो आप जो कह रहे हैं वो पहले से ही है। हाँ अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, वहाँ पर रूल ये है ऑलरेडी है, अगर वहाँ ऐसा किसी को राइट नहीं है कि कोई एम्प्लॉयर के साथ या किसी के साथ वहाँ पे मिसबिहेव करे, अगर करता है तो आईपीसी के वायलेशन ऑलरेडी है। हाँ ये है, अगर नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं ड्यूटी नहीं निभाई है। देखिए अधिकारियों की जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है, हमारे उद्यमियों की, व्यापारियों की, सभी अधिकारियों की, ये लोगों को बताए कि भाई जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की नहीं है, इनको ऊपर इतना प्रेशर ना बनाया जाए। नहीं वो ऑलरेडी नहीं है, रूल में पहले भी है, अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो कोई अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा है, वरना आप लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि उसमें इसलिए इसे दुर्घटना बोला जाता है भाई सब, वरना कुछ और ही वर्ड होता, क्योंकि वो तो हो सकता है कोई, इसलिए प्रोविजन भी वैसे ही रखे गए हैं, उसी हिसाब से इंक्वायरी का प्रोसीजर है, और ऐसा कुछ नहीं है कोई मिसबिहेव करे, अगर वो कर रहा है तो वो आईपीसी का वायलेशन कर रहा है। एक्चुअली सर आईडी प्रसार अगर होगा इस चीज का प्रचार प्रसार होगा कि जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई मिनिमम वेजेज नहीं दियो, ये क्राइम है, ये करेंगे, इस तरह का प्रचार प्रसार आपकी सरकार द्वारा भी होना चाहिए, लोगों के द्वारा होना चाहिए कि अगर किसी ने किसी दुर्घटना के समय कोई मिसबिहेव करता है अपने एम्प्लॉयर से तो उसका भी ये धारा लग के, ये जैसे कि हॉस्पिटल में लिखा जा रहा है, इस तरह के प्रचार होने पर निश्चित रूप से घटनाएं कम होंगी, ऐसा मेरा मानना सोचना है। नहीं तो वो आपका अधिकार है, आप चाहो तो लगा सकते हो उसमें, वो मतलब पर ये है ना कि गवर्नमेंट नहीं कह सकती ना, एक्चुअली गवर्नमेंट कुछ बोले तो उन चीजों से नेगेटिविटी की
इफेक्ट आ रहा है, गवर्नमेंट को तो दोनों पक्षों को देख के चलना है। बाकी आपका पूरा राइट है, कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता, आईपीसी में ऑलरेडी प्रोविजंस हैं। अगर कर रहा है तो कहीं ड्यूटी या तो कोई अपनी नहीं निभा रहा या फिर वो गलत कर रहा है। मैं अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक पूछना चाह रहा हूँ, जैसे किसी वजह से कहीं किसी फैक्ट्री में कोई कैजुअल्टी या कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो बात आती है कंपनसेशन की, तो जिस फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल है तो वहां पर कंपनसेशन दो तरह के केस होते हैं। एक तो फैक्ट्री में वो आदमी रजिस्टर पे है उस केस में उसका कंपनसेशन क्या बनता है, और फैक्ट्री बाई द वे कोई कैजुअल वर्कर है और रोल पर रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में कंपनसेशन क्या बनता है? क्योंकि होता क्या है कि वो आसपास के एरिया के जो लेबरेटर्स हैं और उनके गांव वाले हैं वो आकर और प्रशासन शासन का भी प्रेशर, जैसे अभी जी ने कहा शासन प्रशासन का भी प्रेशर आ जाता है, पुलिस का भी प्रेशर होता है, हमारे कानपुर में गई थी जिसमें डीएम साहब भी फोन आ गए कि भाई वो क्या है माहौल बिगड़ रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्री की ओर लाइबिलिटी की उस टाइम डिपार्टमेंट आपके यहाँ से भी आता है, लेबर डिपार्टमेंट भी आते हैं, हर एक आदमी कहता है कि साहब उसको कंपनसेशन देना बनता है। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा हूँ, आपसे जानना चाह रही हूँ कि कंपनसेशन की एप्लीकेबिलिटी क्यों होती है अगर वो कवर्ड है। देखिए मैं इसमें दो बातें बताना चाहूंगा। पहली ये कि जैसे कहीं एक्सीडेंट होता है तो नॉर्मली भी रोड पे भी तो दो बातें आती हैं, एक तो पुलिस अपनी इंक्वायरी करती है, एक इंश्योरेंस। तो जो कंपनसेशन वाला पार्ट है इंश्योरेंस पार्ट में एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कह सकते हैं, तो एक्सीडेंटल इंक्वायरी तो हमारे यहाँ से होती है, कंपनसेशन वाला पार्ट डीएलसी मैडम के यहाँ से देखा जाता है। फिर भी जितनी मुझे जानकारी है उतना मैं बता देता हूँ कि जो ईएसआई में कवर्ड है उनका कंपनसेशन ईएसआई से ही होगा, जो ईएसआई में कवर्ड नहीं है उसके लिए एक कैलकुलेशन रहती है जो डीएलसी मैडम के यहाँ से एएलसी या एलयू करते हैं उससे वो निकाला जाता है, पर अगर ईएसआई में है तो वो कंपनसेशन ईएसआई ही देगा। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मालिक रिस्पांसिबिलिटी रहती है जी, जो लोग ईएसआईसी में कवर्ड है उनका कंपनसेशन ईएसआईसी ही देगी, और जो कवर्ड नहीं है उनका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में एम्प्लॉयर को देना है। प्रेज जी एक घटना हुई थी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर कोई एक्चुअल केस में वर्कर या कोई स्टाफ अपने आप को फैक्ट्री परमिसेस में सुसाइड कर ले जी जी जी, तो उसमें क्या क्या जिम्मेदारी किस चीज की बनती है और उसको क्या कंपनसेशन सरकार से मिल पाता है, इंश्योरेंस से मिल पाता है नहीं मिल पाता है? वो तो इंश्योरेंस के रूल्स हैं उसके बारे में नहीं, पर हाँ अगर कोई उसमें सुसाइड से रिलेटेड जो हमारी इंक्वायरी उसमें इतना बता सकते हैं, अगर सुसाइड कर लिया है तो या तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए तो कहीं ये मतलब किन कंडीशंस में किया, एक्चुअली एक दो जगह ऐसा हुआ जहाँ सुसाइड हुआ पर अब जैसे हमने वीडियो देखा तो लग रहा था सुसाइड नहीं था एक्सीडेंट था, तो वो प्रूफ वाली बात होती। अगर बाकी कुछ जगह पर हाँ सुसाइड ही था, कुछ फैक्ट्रियों में वहाँ दिख रहा था कि फांस जो भी लगा ली, तो वो पुलिस इंक्वायरी का पार्ट हो जाता है। उसमें देखते नहीं है तो उसका ज्यादा आइडिया नहीं है, इंश्योरेंस या ईएसआई के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ही बता पाएंगे, वो पार्ट हम देखते नहीं। बस इतना ही पता है कि अगर ईएसआई में है तो ईएसआई से मिल जाता है, अगर ईएसआई से एलिजिबिलिटी उसकी ज्यादा है तब किसकी लाइबिलिटी है? एलिजिबिलिटी तो वो अगर ईएसआई में है तो एलिजिबिलिटी की बात ही नहीं है, फिर तो वहीं से मिलना है। नहीं नहीं एक बात तो ये हो गई, लेकिन एक जैसे 21,000 से ऊपर या 25 कितने से ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल देंगे सर? अगर कोई एम्प्लॉय ईएसआई में कवर्ड नहीं है उसके लिए पूछ रहे हैं सर। अच्छा उसके लिए तो फिर ये है कि डीएलसी मैडम के यहाँ से कार्रवाई होती है एम्प्लॉय वो उसकी वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर पे आएगी। That's what you meant to say. हाँ, पर मैंने देखा है बहुत से एम्प्लॉय ज्यादातर वो ये करते हैं, उनकी पॉलिसी ऑलरेडी करा के रखते हैं, ग्रुप पॉलिसी या कुछ ऐसा रहता है। नहीं उसमें तो सुसाइड केस में वो पैसे नहीं मिलते हैं जो इसमें मुझे की खैर कंपनसेशन का एक्चुअली ज्यादा आइडिया है नहीं क्योंकि वो देखते नहीं है, शायद गुप्ता जी बता पाएंगे। गुप्ता जी क्या एक्चुअली सर देखिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये है दो पॉइंट है, कोई 21,000 तक जिसका सैलरी वो ईएसआई में कवर्ड है और ईएसआई में कवर्ड है उसके एक्सीडेंट का पूरा एक्सपेंसेस कंपनसेशन ईएसआई पे करती है, जो ईएसआई में कवर्ड नहीं है
उनका नॉर्मली अगर इंश्योरेंस किया हुआ है एम्प्लॉयर ने तो इंश्योरेंस कंपनी देती है, इंश्योरेंस नहीं किया गया तो वो बर्डन एम्प्लॉयर का होगा, एम्प्लॉयर को उसको पे करना पड़ेगा। कंपूटेशन जो कंपनसेशन की है वो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक 1923 है उसके द्वारा किया जाता है, और कहीं डिस्प्यूट अगर आता है तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर हैं जो कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और डिप्टी लेबर कमिश्नर्स हैं, पावर उनको, तो वो अपने यहाँ से उसको असेसमेंट करके रिकवर करके एम्प्लॉय उनके डिपेंडेंट को देते हैं उसके लिए। अच्छा क्वेश्चन यहाँ सर आता है सर कि एक जैसे अभी अध्यक्ष महोदय ने एक सवाल उठाया था, एक आपका सुसाइड का एक्सीडेंट का, अगर फैक्ट्री प्रमाइसिस में कोई इस तरीके से कैजुअलिटी या कोई डिमाइज होती है तो उस केस में एम्प्लॉयर को कैसे सेव करना है अपने आप को, अगर वो सुसाइड केस है, चूंकि फैक्ट्री एक्ट में वो एक्सीडेंट माना जाएगा या क्या माना जाएगा सर उसको? नहीं, एम्प्लॉयर को दो चीजें करनी चाहिए, एक तो जैसे अगर सुसाइड केस है तो पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस की रिपोर्ट बन जाती है तो एक तो वहां से प्रूव हो जाएगा, दूसरा पोस्टमार्टम जरूर कराना चाहिए क्योंकि ज्यादातर पोस्टमार्टम मांग लिया जाता है, तो पोस्टमार्टम में काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, फिर वो सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो एक्सीडेंट नहीं रहेगा, सुसाइड ही रहेगा। तो उस केस में रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट एनएफ है, उस केस में फॉर्म 18 में कोई सूचना देने की जरूरत नहीं, आप अपने लेटर हेड पे एक सूचना दे सकते हैं सुसाइड किया, पुलिस की रिपोर्ट संलग्न है, पोस्टमार्टम संलग्न है, या फिर पोस्टमार्टम आ जाएगा तब दे दिया जाएगा, और फॉर्म 18 पे या फिर फॉर्म 18 पे भी देना है तो ब्लैंक वाले आ जाते हैं जो भी पोर्शन, और ऊपर जो कवरिंग में आएगा तो सुसाइड की इंटीमेशन तो करना है, पर वो एक्सीडेंटल इंक्वायरी नहीं होगी उसमें क्योंकि वो सुसाइड केस है। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही भाई सर, बहुत सी जगहों पे एसआई के हॉस्पिटल प्रीमियम दे रहा है, तो ही इज प्रेफरिंग आयुष्मान कार्ड, वो आयुष्मान कार्ड। अब दिनेश जी आपकी आवाज मिल नहीं रही हम लोगों को, शायद और लोगों को मिल रही है क्या? नहीं आवाज नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कोई बोलने नहीं मिल रही आवाज नहीं। हां जी, आपकी आवाज सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी ऋषभ जी प्लीज। एक सर संस्था है सिविल डिफेंस जो कि एक आपदा पेंशन वगैरह की बात तो सोच ही नहीं पा रहा अभी, ये तो उसे कंपेंसेशन क्योंकि जो कि फायर से वाले हैं, तो अगर कोई ट्रेनिंग हम उसके माध्यम से कराना चाहे तो क्या वो मान्य होगी? इस टाइप की संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था है वो और पैनल बॉडी है, तो दे बेसिकली वर्क फॉर डिफेंस ऑफ सिविलियंस, उसमें अगर कोई इंडस्ट्री है और ऐसी कोई ट्रेनिंग हो तो विल दैट बी काउंटेड एज ऑफिशियल ट्रेनिंग? नहीं, तो ऑफिसर किस रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं? ट्रेनिंग तो आप जितनी दिलाएंगे उतनी अच्छा है, कहीं से भी दिलाइए, सर्टिफिकेट रखिए, जैसे वर्किंग प्रोसीजर की ट्रेनिंग दिलाने हैं अगर वो दे रहे हैं तो उसे सर्टिफिकेट लीजिए, वो क्योंकि ट्रेनिंग बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है, वर्किंग प्रोसीजर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग काफी टाइप की हो सकती है, अगर कोई ऑडिट है या टेक्निकल ही स्पेसिफिक है तो वो टेक्निकल उस एक्सपर्टाइज से लेनी है। आप कुछ मतलब पूछना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे फायर की ट्रेनिंग है या मॉक ड्रिल या ओके हाँ विच इज फिजिकल ट्रेनिंग, तो अगर हम वहां से कराएं तो उसका सर्टिफिकेट नहीं, तो वो लोग एक्सपर्ट हैं, आप वहां से करा सकते हैं, बस जिस वर्कर को कराएं उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो सॉरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लें, वो लोग कॉम्पिटेंट हैं, वो काफी चीज से डील करते हैं, तो अगर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बस उनका वो सर्टिफिकेट हो बस कि इनकी ट्रेनिंग हुई है एक्स वाई जेड। सेकंड सर, एक आपने सेफ्टी ऑफिसर बोला तो वो एक लार्ज इंडस्ट्री में है या कुछ बहुत से स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं जिसमें 40 50 60 वर्कर्स हैं, तो उसमें इट मे नॉट बी फीजिबल और पॉसिबल फॉर द पर्सन टू अपॉइंट अ सेपरेट सेफ्टी ऑफिसर, तो उस केस में सेफ्टी ऑफिसर उस केस में क्या ये पॉसिबल है? सेफ्टी ऑफिसर के बारे में मैंने नहीं, मैंने आपको जैसे बताया सेफ्टी ऑफिसर के लिए जनरल फैक्ट्री में 1000 वर्कर, मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड में सब में रहेगा, तो जो मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड होती हैं वो काफ़ी बड़ी केमिकल रिलेटेड होती हैं, ज़्यादातर सब में एप्लीकेबिलिटी है, जैसे वर्कर ज़्यादा ही रहते हैं और कम कहाँ रहते हैं, जैसे IOCL बॉटलिंग प्लांट या इनमें, तो वहाँ प्रोविजन हैं
तो ऐसा बहुत कम ही रेयर होता है कि फैक्ट्री में वर्कर कम है और रिक्वायरमेंट हो एज पर एक्ट भी। थैंक यू सर। गोयल साहब आपकी वॉइस नहीं आई थी, आप अपना क्वेश्चन अगर दोबारा पूछ लें। दिनेश भरसिया जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी कभी वर्कर ड्यूटी पर आते टाइम या ड्यूटी से जाते टाइम ऑन द वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस केस में एम्प्लॉयर की क्या लाइबिलिटी आती है? उस केस में एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी ये है कि सूचना एक तो देनी है बस, और हमारे यहाँ बाकी कंपनसेशन से रिलेटेड अगर आप पूछ रहे हैं तो वही सेम केस है, ईएसआई में है तो वहां से मिलेगा, और अगर नहीं है तो फिर वो डीएलसी मैडम के यहाँ से कार्रवाई। मतलब आपका कहना ये है कि एम्प्लॉयर घर से निकला और वर्क प्लेस पे आया और वर्क प्लेस से वापस घर जा रहा है, तो उस सारे रास्ते की जिम्मेदारी भी एम्प्लॉयर की है? नहीं, फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी नहीं है, खाली प्रीमिसेस की जिम्मेदारी है फैक्ट्री एक्ट में। अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड तो वो डीएलसी मैडम के यहाँ से ही बता पाएंगे, उसका मुझे आइडिया ज्यादा नहीं है। हमारे एक्ट से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी है, हमारे एक्ट में खाली प्रीमिसेस की है। वाई के गुप्ता जी आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे? जी एक्चुअली देखिए, जो वर्कर घर से फैक्ट्री आ रहा है, फैक्ट्री से जा रहा है, उसको नोशनल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूटी कहलाया जाता है सर, वो नोशनल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूटी। तो इसमें ये है कि भाई दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेसिकली। तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी में जो कंपनसेशन ड्यू है नॉर्मल केस में फैक्ट्री के अंदर, जैसे कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो वो वैसे ही सिमिलर ट्रीट होगा सर वो। अच्छा, अगर वो फैक्ट्री से घर जाने की बजाय रास्ते में किसी और रास्ते में निकल गया, कुछ और काम कर रहा, तब उस केस में? उस केस में कोई लायबिलिटी नहीं है ना, नहीं वो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट इंजरी। बेसिकली वंस इट इज कंसीडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट इंजरी देन ओनली कंपनसेशन क्वेश्चन अराइजेस। मीनिंग ही शुड गो फ्रॉम द शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द फैक्ट्री टू हिज रेजिडेंस। यस यस। और द टाइमिंग ऑफ द यू नो टाइमिंग ऑफ द एक्सीडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच मैटर्स। हाउ मच टाइम it takes to reach to his home, and beyond that time if accident happens then it will be a doubtful case and no compensation will be granted. Okay sir, ek mera sawal YK Gupta sahab se hai ji, agar hamari factory mein koi accident hota hai aur pura safety pura precaution lene ke baad bhi worker ke negligence ki wajah se accident hota hai, दो फैक्ट्री ओनर या रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, जो भी हर्जा खर्चा देते हैं, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? फैक्ट्री मैनेजर या ऑक्यूपायर तो इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं। देखिए एम्प्लाइड और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लाइबिलिटी है, जो वाइकेरियस लाइबिलिटी लॉ में कहलाती है, वो एम्प्लॉयर की ही है। आपने नेग्लिजेंस है, उसकी ड्यूटी, सब चीजें, दीज आर द क्वेश्चंस विच आर एक्चुअली यू नो डिसाइडेड बाय द जुडिशरी बेसिकली। तो अगर मान लीजिए आपके खिलाफ में कोई फैक्ट्री एक्ट से केस लगता है ऑक्यूपायर के अगेंस्ट में, और वो कंटेस्ट करके वो ये प्रूव कर देता है कि भाई उसकी नेग्लिजेंस नहीं थी, उसने सारे सुरक्षा उपकरण सभी चीजें प्रोवाइड कर रखी है, फैक्ट्री एक्ट का पालन कर रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव यू नो द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर है, उस केस में तो कंपनसेशन भी डिमांड कर दिया जाता है और वो प्रूफ जुडिशियल अथॉरिटी ही कर पाएगी। एम आई करेक्ट ब्रजेश जी? आपकी बात सही है, पर कंपनसेशन तो एक्चुअली उसमें एक बस थोड़ा सा इशू है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है तो एकदम सही है, पर प्रूफ होना इसलिए थोड़ा मुश्किल है, तो 7A में जो बात आ जाती है ऑक्यूपायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ थोड़ा क्योंकि इसलिए प्रूफ करना थोड़ा टफ हो जाता है, पर हाँ प्रूफ हो जाएगा तो डेफिनेटली वो कोर्स क्वेश हो जाएगा। मैं बात कर रहा था सर, लीगल बात कर रहा था, जो कि बिल्कुल आपकी एकदम बात सही है, 99% केस में प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है। जी जी ब्रजेश जी, मैं अनिल गुप्ता हूं, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बड़ी आइडियल कंडीशन की बातें हैं, लेकिन होता क्या, सारे के सारे प्रोसेस बड़े लिटिगेटिव हैं। इट इज नॉट इजी, इट इज इजी सेड देन डन। मतलब आप देखिए कोई भी छोटा भी इशू होता है वो सालों साल के लिए लिटिगेशन जाते हैं, और एक एंटरप्रेन्योर एंडलेस लिटिगेशन में चले जाता है छोटे से भी कहीं किसी परेशानी की वजह से। क्या ये सब चीजें टाइम बाउंड नहीं हो सकती? क्या ये जो एंटरप्रेन्योर है उसकी लिमिटेड, उसकी जो लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड नहीं हो सकती क्या?
इस यही किया गया है जो नया कोड आया है उसमें, जैसे मैंने बताया ना, वर्कर को अलग कर दिया गया, सुपरवाइजर अलग है, एम्प्लॉय वर्ड आ गया है, पहले वर्कर वर्ड था, तो अभी सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग भी डिसाइड कर दी गई है। जैसे एम्प्लॉय की अगर गलती हुई तो क्या होगा, और उसमें भी ये कर दिया गया है अभी जो लागू जल्दी होगा कि कुछ चीजों में कंपाउंडिंग काफी हो जाएगी, जैसे डिपार्टमेंटली हो जाएगा, लिटिगेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप भी सहमत हैं उसमें तो हो जाएगा। और उसके बाद भी ऑप्शन काफी इजी हो गया है, ज्यादातर चीजों में पेनल्टी डिपार्टमेंट से ही हो जाएगी अगर अगर दोनों कन्वेंस है, आपको भी लग रहा है नहीं है फॉल्ट, और एम्प्लॉयज और काफी लोगों के सेफ्टी ऑफिसर सबकी जिम्मेदारी का भी प्रोविजन थोड़ा बन रहा है एम्प्लॉयर के साथ साथ। अब देखिए क्या फाइनल होगा वो डिपेंड करेगा, पर काफी कुछ रिलैक्स हो गया है इसमें। आप योगेश जी, मेरा एक सुझाव है इसमें। जी, मेरा सुझाव है, जैसे ये आयुष्मान भारत का कार्ड आ रहा है या आश्रम कार्ड आ रहे हैं, इसमें खाली एक प्रॉब्लम है आयुष्मान भारत में कार्ड में, कि उसमें आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कवर्ड है, लेकिन इसमें इंजरी या परमानेंट डिसेबिलिटी कवर्ड नहीं है। अगर श्रम और ये आयुष्मान भारत कार्ड को अगर कोई मिला के कोई ऐसा प्रोसेस बना दिया जाए, तो जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो MSME का 95% है, उस सेक्टर को बहुत बेनिफिट हो सकता है। इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए। देखिए कुछ भी कर लीजिएगा, आयुष्मान भारत खाली जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट 5 लाख तक की बात करता है, कुछ नहीं करता वो, जो उसकी पेंशन है या उसकी जो परमानेंट डिसेबिलिटी है, इसलिए ESI को और उसके बीच में भेद है थोड़ा सा। अगर इनको कवर कर दिया तो फिर ये डिमांड किसी लेवल पर की जा सकती है कि क्या वाकई ESI की अब आवश्यकता है ऐसे कार्ड आने के बाद में, या ऐसी गवर्नमेंट की स्कीमें आने के बाद में। जी, वेरी ट्रू, एक्चुअली सजेशन एंड आइडिया इज वेरी गुड सर, एंड आई थिंक व्हेनेवर I will be meeting with Director General ESI and in meeting of the central government for this purpose, because a lot of suggestions they ask and a lot of things they it's a good suggestion. It was not never came to my mind also. It should be, you know, clubbed with the Ayushman, this Yojana, so that benefit is extended to a larger group of the society. Very nice. Yeah. दूसरा एक मैं ये भी पूछ कहना चाहता था कि देखिए ये जो जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट कवर्ड होता है, जैसे आप लोग उसमें मास्टर हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो ये इंस्पेक्टर्स और रेगुलेटर्स है ना, इसकी प्रॉब्लम है। नाउ इट इज हाई टाइम कि सरकारों को रेगुलेटरी सिस्टम से बाहर आके कंसल्टेंट्स अपॉइंट करने चाहिए और एसोसिएशन का साथ लेके हर इंडस्ट्री में प्रोएक्टिवली बिफोर दैट समथिंग हैपेंस, हम लोग को ये देखना चाहिए उसमें कोई अगर कमी हो, नेग्लिजेंस हो, तो अपने एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलके उसे पहले ठीक कराना चाहिए सर। उसका कैसे सिस्टम बन सकते हैं, उसके कोई मान लीजिए एक ब्लूप्रिंट बन जाए कि आप अपने जो मशीनिंग की प्लेसिंग है ऐसे कर लें या कुछ कर लें, चीजें होंगी, लेकिन एसोसिएशन के साथ में ये रेगुलर हम लोग को बात करनी चाहिए सर इसके बारे में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ सर। एक्चुअली ये ऑलरेडी हो चुका है, जैसे ब्रिजेश जी ने कहा, हमारे नए कोर्ट्स में रेगुलेटरी इंस्पेक्टर शब्द सब हटा दिए गए हैं। ही इज ए फैसिलिटेटर नाउ, बेसिकली फैसिलिटेटर मींस ही विल कम एजुकेट टीच एंड यू नो गाइड इट इज टू बी डन, एंड इन केस ऑफ यू नो वायलेशन नेचुरली द एम्प्लॉयर विल बी लायबल फॉर दैट, राइट? सो दिस वर्ड हैज बीन इंसर्टेड देयर एज ए फैसिलिटेटर बेसिकली, व्हिच यू आर लुकिंग फॉर आई थिंक। गुप्ता जी, सही कहा आपने। मैं चाहूंगा मोहम्मद उमर साहब जो हमारे बीच में हैं, अगर आपकी वॉइस अभी अनम्यूट करके आप कुछ आप। यस, नमस्कार, मैं अनम्यूट हूं। हां जी, हां जी, बिल्कुल, आप आवाज आ रही है। नमस्कार उमर साहब, उमर जी आ रही है, पहले आवाज नहीं आ रही थी। मैं सबसे पहले आप सभी को ये नेशनल सेफ्टी डे के आपको बधाई देता हूँ। हेलो जी, हेलो जी, मैं आपको बता दूं तो इस बार का जो ये थीम है ये बहुत ही सुटेबल है, जो आप अग्रवाल साहब ने स्टार्ट में बात करी थी कैसे क्या हो, या गुप्ता साहब ने, तो ये जो माइंड का नर्चरिंग की बात हो रही है कि इस टाइप का माइंड होना चाहिए, हमारे समझौता वाला नहीं होना चाहिए। हम सेफ्टी का जो प्लान की आप बात कर रहे थे, उसकी जो मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, वो तो बहुत जरूरी, जब बनाएंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे अच्छे से तभी ये चीजें हो पाएंगी। तो सबसे पहले हमारा एटीट्यूड बिल्डिंग की बात जरूरी है कि हम लोगों का एटीट्यूड अच्छा हो जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में, कि हम कोई चीज में समझौता ना करें। सेफ्टी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। सेफ्टी जो है एक ऐसी चीज है कि वो हमारी बहुत ही कॉस्ट करती है।
तो जब हो जाता है तब पता लगता है। तो हमें जो नियर मिस एक्सीडेंट्स हैं या जो हजार्ड्स हैं उन पे फोकस करना है। इसीलिए हीरा की बात होती है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस की बात होती है कि हमें पहचानना है। और ये जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, मेरा तो ये मानना है कि मैं 25-30 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, चाहे जो भी हो, चाहे सेफ्टी की हो चाहे प्रोडक्टिविटी की। अगर जब तक एटीट्यूड बिल्डिंग नहीं होगा, लास्ट ईयर की पहले बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी की बात हो रही थी, जब तक एटीट्यूड और बिहेवियर नहीं बनेगा तब तक ये सेफ्टी से हम लोग ये एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। क्योंकि एक्सीडेंट जब हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक्सीडेंट होने से पहले की तैयारी हमें करनी, क्योंकि बाद में तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो होना था हो गया। तो इसीलिए इस बार एनएसटी मुंबई ने यही कहा कि भाई आप जो माइंड को एक सही डायरेक्शन में रखा जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको मैक्सिमम जितनी ट्रेनिंग हो सके, क्योंकि हमें जीरो की तरफ जाना है, चाहे जीरो एक्सीडेंट हो, जीरो सेफ्टी में कोई समझौता ना हो, हर चीज में। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए है। और एनएसटी इसके लिए यूपी चैप्टर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के मामले में बहुत ही पॉजिटिव है। हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं, मुंबई से भी हम लोग करा देंगे, अपने हमारे कानपुर में भी बहुत हैं, आलोक अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, बरसिया जी बैठे हैं, वो जानते हैं मुझे। तो हम लोग ट्रेनिंग में प्रोडक्टिविटी में बहुत कुछ करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। और मैं ब्रिजेश जी को, जो हमारे वाइस चेयरमैन, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे जोड़ा है इससे, और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से जवाब दिया आप लोगों को। लेकिन ये आज का टाइम हम लोगों को बस सेफ्टी की एक एटीट्यूड बिल्डिंग कर लें हम लोग, मेरा तो बस यही आप लोगों का सजेशन है। क्योंकि हमें कुछ होने नहीं पाए, एक्सीडेंट जो हो गया उसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंजरी हो गई वो तो परमानेंट हो गई, तो उसी को बचाना है। और ये एक ओनरशिप नहीं आ रही है, मेरा बराबर कानपुर में भी आ रही है, यही बात होती है, ओनरशिप डेवलप नहीं हो रही है। जो हमारा मिडिल मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है, हमारे जो छोटी इंडस्ट्री है वो सीधे, वो मालिक भी वही है, मैनेजर भी वही है, वो काम भी वही लाते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो थोड़ा सा ये अभी ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। मिडिल मैनेजमेंट चाहे छोटी इंडस्ट्री हो, लेकिन अगर हम ओनरशिप दे देंगे, वो ओनरशिप ले लेगा, तो ये सेफ्टी भी होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और पूरा अच्छा सा होगा। तो ये ट्रेनिंग पे फोकस करवाइए। अग्रवाल साहब से मैं यही चाहूंगा, आईए के चेयरमैन है, कि आप इस पर थोड़ा ट्रेनिंग फोकस करा दीजिए, तो सेफ्टी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लीगल की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीगल तो चला जाता है तो बहुत टाइम लगता है, लीगल को तो मना ही किया जाता था गांव देहात में कि लीगल में मत जाइए, क्योंकि लीगल में जाइए बेटी की शादी लोग गांव में कहते थे, तो उससे बचने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे जोड़ा, और थैंक यू। अच्छा उमर साहब, आपने बहुत अच्छा कहा कि ट्रेनिंग पे फोकस देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि हाउ नेशनल सेफ्टी काउंसिल कैन कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री एक्चुअली इन हाउस ट्रेनिंग कैसे दे उनको, क्योंकि हमारे यहाँ से इंडस्ट्री से उनको भेज पाना कहीं पे थोड़ा उतना संभव नहीं है। इन हाउस ही देना पड़ेगा गुप्ता साहब, क्योंकि वो भेजना तो मुश्किल है। और दो तीन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है आज की डेट में, शॉप फ्लोर सेफ्टी बहुत देनी है, शॉप फ्लोर सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी देनी है, क्योंकि अनसेफ एक्ट हमको रोकना है, अनसेफ कोई भी प्रैक्टिसेस है हमें उनको अलाउ नहीं करना है। वो अगर अलाउ नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, क्योंकि 80% जो है, 80% हमें ट्रेनिंग से ही इम्प्रूवमेंट होता है, मोर देन 80%, क्योंकि रूल रेगुलेशन। सेफ्टी काउंसिल कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, थोड़ा ऐसा बताइए हमारे इंडस्ट्री भाइयों को, ताकि वो वहां से लाभ ले सकें। अब ये जैसे हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे इंडस्ट्री का एक टाई अप कर लें, क्योंकि छोटी छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी तो अकेले करा लेती है, तो कुछ लोग करके आके लोकली वहां पे प्लान हो जाए, ये किया जा सकता है। एनएससी यूपी चैप्टर जी सर, गुप्ता जी एक बात मैं पूछना चाह रहा था, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, मैं ऑडिबल हूँ? जी जी आवाज आ रही है। यस सर। हाँ सर, क्या कुछ एसओपीज एनएससी के डेवलप किए जा सकते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ स्मॉल एमएसएमईज, जिसको हम लोग सर्कुलेट करें और फिर उस पर छोटी छोटी वर्कशॉप हम लोग करा सकें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसके लिए ओपन है, ओपन और
हम लोग एक एक यहाँ पे हम सर्कुलेट कर देंगे, क्या जरूरी है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से हम लोग इस पे सेफ्टी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सेफ्टी ही, क्योंकि आपको बुरा मानिएगा कि सेफ्टी डिपार्टमेंट को इवन जो कंपनी में भी उसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है, ट्रेनिंग के जैसे वैल्यू नहीं दी जाती थी पहले, ट्रेनिंग थोड़ा सा इम्प्रूव हुई, सेफ्टी को अभी लोग इसको बाईपास कर जाते हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है कि बाईपास होता है तभी एक्सीडेंट होता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो कोई सेफ्टी को हमें कोई चीज बाईपास नहीं करना है, डिले हो जाए भले, जल्दी नहीं करना है। उमर साहब, एक्चुअली हमारे महासचिव महोदय का कहना यह है कि भाई क्या आप कुछ एनएससी हमें कुछ एसओपीज दे दे, ये सर्कुलेट कर दें, और वो छोटे छोटे प्रोग्राम आईआईए की तरफ जी, से बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कंट्रीब्यूट करें, हम इस पे वर्क कर लेंगे, हम एसओपी बनाते हैं और वर्कशॉप भी हो जाएंगी जी। एनएससी इसमें काफी काम कर रही है, एक्टिव है। थैंक यू। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहूंगा कि अगर हम लोग कुछ ऐसे छोटे छोटे फोल्डर ब्रोशर्स बना लें, उसमें आई भी सहयोग करेगी प्रत्येक अपने चैप्टर में, अपनी फैक्ट्रियों में अपने वर्कर तक पहुंचाने का, किन परिस्थितियों में क्या करें, कैसे क्या करें, कब क्या आग लगने पर क्या करें, इस छोटे छोटे जो हमारे पास एक फोल्डर टाइप के हों, हम अपने वर्करों को भी एक पर्चे के रूप में बांट दें, तो शायद ज्यादा बेहतर भी हो सकता है कि भाई आपके पास एक समझने की चीज़ आगे समझने, तो अगर इस तरह की चीज़ जो खास खास लिखी जानी है। ये बहुत अच्छा सुझाव सर, इस पे थोड़ा ब्रजेश जी उमर जी से हमारा हम लोग अपने नहीं आइए की तरफ से भी छपवाएंगे, ऐसी नहीं कि सरकार इसमें कोई पैसा खर्च करे, ऐसा कोई मकसद नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से छपवाएंगे, आइए अपनी तरफ से छपवाएगी, ताकि अपने वर्करों को बांटे, बताए कि किन परिस्थितियों में क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत अच्छा सुझाव है अग्रवाल साहब, और इंडस्ट्रीज भी देखती है कि अगर कोई एसोसिएशन लाइक आईआईए और एक्सपीरियंस पर्सन लाइक वाईके गुप्ता जी हो चाहे और कोई हो, उन लोगों की तरफ से कोई ट्रेनिंग हो जिसका एक रिकॉग्निशन हो, फैक्ट्री में भी, फैक्ट्री वाले भी जो ओनर है वो भी देखते हैं कि अगर आईआईए या कोई गवर्नमेंटल एजेंसी या कोई प्रोफेशनल आके हमारे को ट्रेनिंग देता है और उसका एक सर्टिफिकेशन टाइप का हो जाए, तो वो लोग भी थोड़ा इसको अच्छा समझते हैं और एक अच्छा माहौल जाता है हमारी इंडस्ट्रीज में। अच्छा सुझाव, हम मर्जी की मदद से इसमें वर्क करते हैं और ये सीआईएम साहब से अनुमति लेके और ये काम कराया जा सकता है। अच्छा सुझाव है। उमर जी आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, बहुत इसको अच्छा रहेगा, और मैं तो आपके यहाँ पे आईआईए के टॉप के लोग बैठे हुए हैं, और ब्रजेश जी यहाँ पे हैं, हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं सीआईएसएफ जो है, कल आ रहे हैं मिस्टर आरके सिंह जी, उनसे भी डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको करेंगे तो ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा, बहुत अच्छा टाइम रहा है और बहुत अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि हमें इस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत, हम लोग बहुत कॉस्टली नहीं रखेंगे, हम लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर लेंगे कि उनको उसका इफेक्ट मिलेगा, अच्छा से प्लान करेंगे। जी उमर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैन आई स्पीक वाईके गुप्ता जी? मैं हाँ, बोल सकता हूँ? यस सर। अच्छा, सभी को नमस्कार, बहुत ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें चल रही है, और आई रियली अप्रिशिएट कि हमारे जितने भी स्पीकर है सबने ट्रेनिंग के ऊपर काफी जोर दिया, विच इज रिक्वायर्ड, अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। और दूसरी चीज एक मैं और कहना ये चाहता था कि हमारी जो सेक्टर है, जो हमारी एसोसिएशन है, दैट इज मेंट फॉर एमएसएमई एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्री जो कि एक या दो लोगों से गवर्न होकर 10 से 15, 20, 25, 30 वर्कर से शुरुआत हो जाती है उसकी, 10 वर्कर भी होते हैं किसी के पास, और मेजॉरिटी ऑफ द माइक्रो इंडस्ट्रीज आर लाइक दिस। मेरा ये मानना है कि जो ट्रेनिंग की बात चल रही है दैट शुड बी ऑनलाइन बाई डिपार्टमेंट, जिसके अंदर पॉलिसी भी बताई जाए, क्योंकि पॉलिसी से संबंधित बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद व्यवहारिक नहीं है। आई डोंट नो, मैंने कोई स्टडी नहीं करा हुआ, लेकिन जो पहले हम लोग जो इंडस्ट्री चलाते थे, आजकल तो खैर बहुत ईज आउट कर दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूल्स रेगुलेशन ना होने की वजह से हम लोगों को दिक्कतें आती हैं। जैसा हमारे पूर्व अध्यक्ष अनिल जी ने भी कहा कि लिटिगेशन में हम फंस जाते हैं, छोटी सी गलती बहुत लंबी बड़ी बन जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर कोई वर्कशॉप और इसके ऊपर कोई सेमिनार करना चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी साथी हैं
जो कि वास्तविकता में जो उमर साहब ने भी कहा कि हम लोग वी आर नॉट सीरियस अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस, और जब कुछ हो जाता है तो हमें परेशानी आती है, तो उसके लिए हमें ऑनलाइन सिस्टम पे ये सारी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। और हम लोगों को जैसा अशोक जी ने हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि ब्रोशर या किसी के माध्यम से, कैलेंडर्स आते थे पहले, मुझे याद है आज से 25 साल पहले हम लोग अपने फैक्ट्रीज में कैलेंडर लगाया करते थे और उसमें सारी प्रिकॉशंस होती थी कि आग लग जाए तो क्या होगा, बिजली का शॉक लग जाए तो किस तरह से बचाएंगे, तो सब जगह हम लोगों ने वर्कशॉपों में लगाया करते। मेरा सिर्फ दो चीजों पे बहुत वो है, एक तो हम लोगों को एज एंटरप्रेनर हमें वो सारी चीजें जो आप बता रहे थे कि सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं या जो जिम्मेदारी आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को दी जाती है वो एंटरप्रेनर को सिखाना आवश्यक, न कि हमारे सुपरवाइजर्स को, क्योंकि हम लोग वी पीपल आर एंटायर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिस्टम और हम ही लोग अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। तो ये एक मेरा निवेदन था कि ऑनलाइन सिस्टम से हमें अवेयरनेस और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करने चाहिए गुप्ता साहब, और बिकॉज आप इस, मुझे कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं कि आप इसके लिए बहुत ही सुटेबल हमारे चेयरमैन हैं इस कमेटी के। और दूसरी चीज ये है कि किस प्रकार से हम उन पॉलिसीज या जो भी हमारे पॉइंट्स या जो रेगुलेशंस बने हुए हैं ईज आउट कर सके। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो हम लोग बिल्कुल समझते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कतें आती है। हमारा एक एंटरप्रेनर जो है वो 250 गज की जमीन में भी काम करता है, तो उसके लिए क्या नियम कानून होने चाहिए जिससे कि वो प्रिकॉशनरी सेफ्टी प्रिकॉशंस भी ले सके, लेकिन उसके लिए क्या सिस्टम होना चाहिए। नई नई चीजें आ गई है क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ रिफॉर्म इन द सिस्टम, तो उस रिफॉर्म के माध्यम से हम छोटी सी जमीन में छोटी सी जगह में कितने ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सेफ्टी वी रिक्वायर। तो दिस इज माय पॉइंट व्हिच आई फील आई शुड शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल, एक्चुअली वंडरफुल सर। एक्चुअली जो हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक जी ने जो एक सजेशन दिया है बहुत प्रैक्टिकल है, और इसमें ब्रजेश जी उमर साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, IIA तो कंट्रीब्यूट करेगी सर, आप अपना नेशनल सेफ्टी काउंसिल की तरफ से मसौदा या जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो दे दी जाएं, तो चैप्टर चेयरमैन के थ्रू जो हमारे चैप्टर्स हैं अशोक अग्रवाल साहब के निर्देश अनुसार उनको वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, उसके थ्रू इंडस्ट्री में पहुँच जाएंगे वो ब्रोशर्स, उनको प्रिंट कराना बनवाना सारी जिम्मेदारी जो है वो IIA लेगा। आपसे सहयोग ये चाहिए कि आप उन हमारे उनके लिए मसौदे दें कि भाई ये इस इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिकल चीज़ें, ताकि वो लोग अपनाई जा सकें। ये बहुत अच्छा तरीका है एक अवेयरनेस का सर। मैं कहूँ कि छोटे छोटे जैसे कि हमारे 3x2 के या 4x6 के जगह जगह फैक्ट्रियों में ये आपके जो लगते हैं पोस्टर टाइप के, इसमें क्या करें क्या ना करें, आग लगने पे कंबल डालें, हवा ना चलने दें, इस तरह की चीजें, करंट लगने पे क्या करें क्या ना करें, इस तरह की चीजें कुछ थोड़ी थोड़ी जगह अगर लगी हो तो निश्चित रूप से घटनाएं कम होंगी और लगेगा कि भाई हम लोग अपने वर्कर के प्रति हम लोग जागरूक है और उनके प्रति हमारी सोच है, ये भी फर्क पड़ता है। जी जी, और ये तो बहुत जल्दी बन सकते, कोई खास बात नहीं है, इसको बनना चाहिए। और गुप्ता जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम लोगों को कुछ मसौदे दे दी जाएं, ताकि हम अप्रैल से ही लगाना शुरू कर दें, कि आने वाला समय काफी मतलब आग वगैरह लगने का होता है, तो इसमें नहीं ठीक है सर, हम कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं। जी जी गुप्ता साहब, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जी जी सर। गुप्ता साहब मेरा ये कहना है, एक चीज मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एक विजिबिलिटी बढ़वाइए, जो अभी पोस्टर बनाने की और सब बात हो रही है कि ये विजिबिलिटी बढ़े, कोई चीजें जो चीज हम कर रहे हैं जो भी है उसको हम उसको सामने ले आए। अगर हम सेफ्टी का भी है तो सेफ्टी के स्लोगन्स खूब यूज हों जगह जगह, और डू एंड डू नॉट वो भी हो जाए, जो भी जैसे SOP बनाने की बात है कि हर मशीन का पूरा SOP बन जाए सेफ्टी का, इवन चाहे ऑफिस के लिए भी SOP बन जाए हर चीज के लिए, और वो पूरा मेंशन हो जाए, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। जैसे ISO 9000 में भी यही है कि जो चीजें हम कर रहे हैं उसको हम उसको
लिखें या उसको दिखाएं, अंदर हमें रखने की जरूरत नहीं, हमें सामने दिखना चाहिए। तो ये चीजें मैक्सिमम जो अग्रवाल साहब कह रहे बहुत अच्छा है कि इसको डेवलप किया जाए और ये स्लोगन्स काफी इसको लिखे जाए हर जगह, मतलब इसको बहुत एक कॉस्टली नहीं है, इससे हमारी बचत बहुत होनी है आगे अगर इसको करेंगे। और छोटी इंडस्ट्री को बहुत फायदा होना है, पिछले 3-4 साल से हम लोगों ने बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी पे बहुत काम किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तो ये मानना है कि जब प्रॉब्लम सबसे आता है बल्क में छपवाएंगे और हर हर चैप्टर में फैक्ट्रियों में जैसे हमारा मेंबरशिप का बोर्ड लगा रहता है, हम फैक्ट्री परमिशन के अंदर जाके लगवाने का ठेका देंगे, जगह जगह लगेगा, तो तुम्हारी मेंबरशिप की भी बात बनेगी कि भाई बहुत अच्छा इनका काम करने का ढंग है, और निश्चित रूप से हम आपका भी नाम जोड़ेंगे कि भाई आपका किस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया, और निश्चित रूप से बहुत सारे वर्करों को भी फायदा होगा, फैक्ट्री वालों को फायदा होगा, ऐसा मेरी सोच है। सर हमारा रिक्वेस्ट ये होगा अशोक अग्रवाल साहब से, सर इसको इम्प्लीमेंट कराने का एक पूरा निर्देश दीजिएगा और ये हो जाएगा, हम काउंसिल से इनको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। आप इस चीज के हेड हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक तो निर्देश देने की स्थिति में किसी को नहीं हूँ, अनुरोध तो कर सकता हूँ, तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ प्लीज इसको इनिशिएटिव लीजिए। और आप तो इतनी बड़ी जगह बैठे हैं, गाजियाबाद में बहुत बड़ा समुंदर है, नोएडा ग्रेटर नोएडा किसी को भी जोड़ लीजिए, वहीं से प्रिंटिंग कराइए, पेमेंट आइए करेगा उसका। जी जी मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। एक तो उमर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मशीन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफाइन होना चाहिए, डूज एंड डोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें समस्या ये आती है कि जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को या लीन मैनेजमेंट को या सिक्स सिग्मा को हम फॉलो करते हैं और इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, तो एज एन एंटरप्रेन्योर मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन एसओपी डूज एंड डोंट्स की जो जानकारी है, क्योंकि इतनी प्रकार की नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कुछ एमएसएमई तो जुगाड़ से मतलब मशीन को बना करके चलाती हैं, तो उस कंडीशन में इसकी इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त की जा सकती है कि एक एसओपी कैसे डिफाइन हो, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बड़ी मशीन के साथ जो हम एमएनसी से खरीदते हैं या बड़े मीडियम एंटरप्राइजेस से खरीदते हैं, वो लोग तो इस चीज को बना लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी यूनिट्स में इस चीज का अभाव रहता है। एक क्वेश्चन तो मेरा ये था। दूसरा मेरा एक बहुत बेसिक समस्या है जो आप लोग भी रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे, आप कितने ही प्रोसीजर कितने ही पीपीई कितने इंस्ट्रक्शन कितने ही ट्रेनिंग आप दे दीजिए, और ह्यूमन बिहेवियरल में एक प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं मोबाइल। मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो मोबाइल पे बात करते हुए, 3 आदमी बैठे हैं तो मोबाइल लेके चल रहे हैं, मशीन पे काम कर रहे हैं तो लीड लगा रखी है, सुपरवाइजर कहता कहता थक जाता है, 4 लोग मशीन छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एंटरप्रेन्योर तो बेचारा ऑफिस में बैठा है या अपने किसी काम में बिजी है, इस कंडीशन में एंटरप्रेन्योर को कैसे लाभ मिल सकता है, ये मेरी जिज्ञासा है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए ये तो ह्यूमन नेचर है, आप किसी फोर्सफुली तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बस वही जो स्टार्टिंग मैंने बोला ट्रेनिंग देना है, उनको समझाना है तुम्हारा भला इसमें है, अगर कुछ होगा तुम्हारा, क्योंकि देखिए लॉस, मैं तो ये बोलता हूँ कि ओनर इंडस्ट्री ओनर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा है, उसको तो अगर वो पैसा लगा के कहीं रख लेगा तो उससे उसका खर्चा चलेगा, वर्कर की सबसे ज्यादा उसकी दिक्कत है, अगर वर्कर अच्छा काम नहीं करेगा तो उसी का नुकसान सबसे ज्यादा होना है। तो ये जो काम इंडस्ट्री ओनर किए वर्कर्स के लिए जो अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, ये उनको समझाने की जरूरत है कि आपके लिए इंडस्ट्री हमने बनाई है आपके फायदे के लिए, उनके दिमाग में अभी ये रहता है जो ह्यूमन टेंडेंसी बात करिए, मुझे क्या मिलेगा, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो आया मुझे इतना मिलता है, उनको ये डेवलप करनी है कि भाई आपको ज्यादा स्टेक है आपका, इवन हम तो ये कहते हैं मैनेजर जो ऊपर टॉप के उनका भी स्टेक नहीं, वो तो दूसरी जगह चला जाएगा, वर्कर कहाँ जाएगा, सुपरवाइजर कहाँ जाएगा, तो उसको ज्यादा सोचना, उसको बार बार हैमरिंग करना है कि भैया आपको आपकी ये इंडस्ट्री आपकी अपनी है, अगर आप मोबाइल से पे रहोगे तो आपका ये भी हो सकता है कि आपका नुकसान हो सकता है, मशीन का नुकसान हो सकता है और मटेरियल का नुकसान होता है, और तीनों का नुकसान आप ही को सबसे ज्यादा है, आप नुकसान करोगे आप किनारे हो जाओगे, इंडस्ट्री ओनर अपना पैसा लगा के चाहे कहीं एफडी में करके वो काम चला लेगा, लेकिन आपका सबसे ज्यादा नुकसान है, तो आपका स्टेक सबसे ज्यादा हाई है, इसलिए वर्कर पे ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको समझाने,
क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि ओनरशिप नहीं ले रहा है, इवन मैनेजमेंट का आदमी जो बीच वाला भी ओनरशिप नहीं लेता है, यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है। और ये ट्रेनिंग से जाएगी, वन टाइम नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। अगर हमारे एक वर्कर भी सुधर गया तो उससे फायदा मिल जाएगा। वेबिनार चल, थैंक यू जी गुप्ता जी। जो और चलेगा कि एक्चुअली मुझे 5:30 बजे एक जरूरी मीटिंग में जाना था, अगर आप लोगों से सबसे मैं अनुरोध अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आने आपकी करना चाहूंगा। गाजीपुर मुझे जाना है तो आप देख लीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ बोलिए सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो वर्कर की बात आई है, वर्कर जो कुछ इस तरह की मानसिकता हो, जो गाँव के वर्कर आते हैं गले में गमछा लपेट लेंगे, जो है तौलिया बांध लेंगे सर पर, जो है अब अगर मशीन चले उसमें पता कई एक्सीडेंट में देखा हूं मैं जो हूँ, क्योंकि मैं उसमें पता चला मशीन फंस गया, इस तरह की कुछ अपने लोग को भी जो सुपरवाइजर को टाइट करना पड़ेगा कि देखो कोई गमछा लेकर अंदर ना जाए, इससे भी काफी सेफ्टी मिलेगा सर। जो है ये भी चीज छोटी छोटी जो चीजें होती है, जो है मोबाइल वाली जो भाई साहब ने बात कहा भी बिल्कुल सही है, मशीन चला रहे मोबाइल में लगा लिया, वो लगा लेते हेयर वाला जो है अपना कुछ पता नहीं चल रहा, गाना सुन रहे हैं उनका दिमाग कहीं और है, एक्सीडेंट वहां भी हो रहा जो है। लेकिन जो तौलिया गमछा वाला ऐसा, ये तो हम लोग फर्स्ट जो है इसको जरूर रोक सकते हैं। 99% मैं देख रहा हूँ जो फैक्ट्रियों में, क्योंकि मैं तो ऐसे सर्विस भी किया इंजीनियरिंग करने के बाद, जो है अब मैं 4-5 साल वो भी देखा, वो फैक्ट्री में अपने भी देख रहा हूँ कि इस तरह की मानसिकता वर्करों में होती है, तो वो टाइट करना पड़ेगा, गेट पर ही दरवान को बोल दे कि इसको तौलिया पहले गमछा हटा के जाओ, जो ये एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है सर, जो है काफी एक्सीडेंट होते हैं जी। यादव राजीव बंसल जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि सारी चर्चा से घूम फिर के लास्ट में एक ही बात निकलती है, ट्रेनिंग, वर्कर ट्रेनिंग, ड्रिल, सारी बात ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डू दैट, बट एक हम जैसी इंडस्ट्री, स्मॉल माइक्रो और मे बी मीडियम, सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि ये सब कराने के बावजूद भी वर्कर मानता नहीं है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जरा सा उसको बोला करा हिसाब कर दो। और सर ब्रजेश जी प्रॉब्लम ये है, रूल्स बने हुए हैं, आप लोग बाध्य हो उसको फॉलो करने के लिए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो पूरा पुलिंदा आ जाता है। अब इसको कैसे बैलेंस करें, शायद ब्रजेश जी या अपने सिक्योरिटी काउंसिल से अमर साहब कुछ इस पे बताएं। एक्चुअली रूल्स में भी थोड़ा ईज हो रहा है, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी अब और एम्प्लॉई वर्ड जो डाला है सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर, उधर भी थोड़ी बढ़ाई जा रही है, और अब वो पुलिंदे वाली चीज इतनी, जैसे लिटिगेशन की जो आप लोगों को प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने भी उसमें ध्यान दिया है, अब चीजें वहाँ चेंज हो जाएंगी, जैसे कुछ कंपाउंडिंग आई है या पेनल्टीज हैं। अब बात अब वर्कर वाली पे अगर अब हम आ जाएं तो उसमें जैसे उमर जी ने बताया, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग। अब एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक बार में नहीं हो जाएगा, उन्हें कंटिन्यूस बताते रहना पड़ेगा, हैंडलिंग करनी पड़ेगी और उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे से आएगा, चेंज आएगा, काफी जगह चेंज है भी, तो और कोई ऑप्शन उसका समझ नहीं आता। बट सर क्या कुछ रूल रूल बुक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज दिखाई दे रही है कि वर्कर ही गलती कर रहा है, तो क्या उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी? एक्चुअली इसमें ये है कि जो रूल्स बनाए जाते हैं, आप कोई भी लॉ देखिए, सोसाइटी के वीकर सेक्शन को देख कर बनाए जाते हैं, तो यहाँ वीकर सेक्शन वर्कर है। अगर रूल्स में कुछ ऐसा चेंज होगा तो देखिए, जो हायर जो मजबूत पोर्शन है वो यहाँ तो चलिए आप एकदम फेयर हैं, पर वो फिर दूसरी तरह से इंटरप्रिटेशन, हर एक गलती फिर वर्कर की ही रहेगी, जो ये है ना कि एम्पावरमेंट जिस पर रहेगी वो सबसे रूल भी चेंज हो जाएंगे। गवर्नमेंट इसीलिए वीकर सेक्शन को देख के ही बनाती, आप लोग तो मतलब सक्षम है, वर्कर सक्षम नहीं है, उस पर अगर कुछ भी रहेगा, जैसे ठीक है कुछ वर्कर जो आप बता रहे हो उस हिसाब से हैं, पर वो फिर 100% वर्कर पर वही एप्लीकेबल हो जाएगा, हमेशा गलती वर्कर की ही दिखेगी, फैक्ट ऐसे इंटरप्रेट हो जाएंगे। मतलब आप ठीक कह रहे हैं, फिर के मतलब यही हुआ खरबूजे नहीं कटना है? नहीं ना ना, ऐसी कोई बात नहीं, उसके लिए व्यवस्था करनी होगी, नए कोड में काफी व्यवस्था हो गई है। हाँ नहीं राजीव जी, एक्चुअली लॉ में भी एक्ट में भी व्यवस्था है, प्रॉब्लम ये है सिंपली कि एक्शन या कोई एम्प्लॉयर, क्योंकि वर्कर का जो एक मॉब बनती है, एक अनरेस्ट जो पूरे में क्रिएट हो जाएगा एक वर्कर के खिलाफ, कोई अरविंद जी कुछ सेट कर रहे हैं, अरविंद जी जी सर एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कई फैक्ट्रियों में सवाल था और मैं ऑलरेडी कई फैक्ट्रियों में कर चुका हूँ, हम लोगों ने इसके लिए इवेंट किया था कि
हम लोग ने पर मंथ 20 लोगों को ट्रेंड करने का तैयारी कर ली थी, चाहे वो स्टिचिंग लाइन के हो, चाहे कटिंग लाइन के हो, चाहे प्रोडक्शन के हो, चाहे फिनिशिंग हर डिपार्टमेंट। तो इससे हम लोग का बेनिफिट ये हुआ कि हम लोग खुद ही अपना बिल्डअप करते थे, मिनिमम 10 मिनिमम 15 लोगों को हम लोग ने टेम्परेरी वर्कर्स में दिखाते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे। और ट्रेनिंग देने के बाद अगर मान लीजिए किसी वर्कर ने ये कह दिया कि भैया हम कल से नहीं आएंगे, तो हम लोग सीधे कहते ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट हमारे पास बंदा तैयार हो जाता था। और इससे मैन पावर की कभी भी कमी नहीं पड़ी। सर मैं ये आपको बता रहा हूँ, सन 2015 की बात है, जो कि करण लेटेक दादानगर में है, वहां पर हम लोगों ने किया था। आप लोग भी जानते होंगे ये मिस्टर भरत गर्ग सर की फैक्ट्री है वो। और उसके बाद हमारी महावीर स्पिन फैब मगरवारा में है, यहाँ पर तो ऑलरेडी ट्रेनिंग देते ही रहते हैं वो लोग। और सबसे बढ़िया रहा कि सर ऐसे में वर्कर्स का कभी भी हमारे पास रोटेशन भी बनता रहा, पुराने वर्कर गए फिर से वापस आए, फिर गए फिर वापस आए, तो हम लोग को कभी मैन पावर की कमी नहीं महसूस हुई। नहीं नहीं अभी सर मैन पावर पे बात चल रही थी कि कई लोग धमकी देते हैं ना कि हम कल से नहीं आएंगे, अगर उनको हम समझाते नहीं सुधरते हैं, ये स्टेपली शुड बी देयर इसी के लिए। सर आप यहाँ तो लेबर अवेलेबल है, लेकिन जाओ ऐसी जगह जो रिमोट एरिया में वहाँ लेबर नहीं है, उनको सिफारिश करना पड़ता है सर। ऐसा कुछ नहीं, हर जगह हर चीज एप्लीकेबल नहीं है, सब जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है। इस आपने जो बोले सर ठीक है, आपका अवेलेबल है, आपके वर्कर का परिचय है, चर्चा को सेफ्टी तक रखा जाए सर। जी वही कारण है, वो चीज का मतलब कोई नहीं रहा जो है। अब अगर गुप्ता जी आप इजाजत दें, और अध्यक्ष जी की बात ही अध्यक्ष जी शायद जाना चाह रहे थे, तो आज बहुत अच्छी डिस्कशन सब लोगों की हुई है, और ये टॉपिक एक हमें आगे बढ़ाना है, इट हैज टू बी सीरीज ऑफ टॉपिक। मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ एक बात कह करके। हाँ जी, हाँ जी गोयल साहब, मैं कह रहा था एक मेरे मन में आ रहा है, जो हम मैं एक्चुअली प्रोडक्टिविटी काउंसिल से भी जुड़ा हूँ, मेरा कहना है कि एक एक चीज और करा दीजिए, 5S पे थोड़ा फोकस करा दीजिए आप लोग, 5S पे और क्वालिटी सर्किल पे, जो वर्कर वाली प्रॉब्लम होती है दूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, 5S इज वेरी गुड, हम लोगों से दूर हो जाएगी पक्का, 5S और क्वालिटी सर्किल पे फोकस करा दीजिए। हम लोगों ने अपने अडॉप्ट किया है, स्पेशली काम कर रहे हैं हम लोग अपनी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छी करते हैं 5S एनपीसी के साथ ही किया है, लेकिन आपकी कानपुर प्रोजेक्ट काउंसिल में हूं, हां जी देखता हूं। हां जी, हां जी, तो आज बहुत अच्छी बात सबने कही है, और एक ये हमें आज की मीटिंग को कंक्लूडेड मीटिंग ना मानकर एक प्रिलिमिनरी मीटिंग माननी चाहिए, कि हमने आज तैयारी करी कि SOP डेवलप करेंगे, प्रिंट करा के पहले अवेयरनेस फैलाएंगे, उसके बाद फिर वर्कशॉप करेंगे, और छोटी छोटी जो उसमें खामियां हैं उनको वैसे ही अपने ज्ञान से अवेयरनेस से ही दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं राजीव जी अगर आप इजाजत दे तो मैं आलोक जी से रिक्वेस्ट कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल जी, इजाजत की क्या बात है। हेलो, हाँ आलोक भाई, आलोक भाई हमारे ट्रेजर नेशनल ट्रेजर जो है वो कानपुर से है, और मैं उनसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको वोट ऑफ थैंक्स एक देकर आज की मीटिंग को यहीं पर समाप्त न करें, एडजॉइन करवा दें प्लीज। और मैं काफी देर से इस पूरी चर्चा पे बहुत ध्यान से सुन रहा था, और मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी एक जो हमारी आज की इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर जो बैठक रही है, बहुत अच्छी बैठक रही है। और जैसे हमारे जी एस सर ने गिरिजी ने कहा है कि हम इसको मीटिंग को खत्म ना करके एडजर्न कर दें, ताकि यहीं से फिर हम अगली मीटिंग और शुरू करें, क्योंकि दिस इज एन ओपनिंग, और बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स निकल के आए। जैसे अभी मोहम्मद उमर जी ने जो कानपुर से हैं एनपीसी से, उन्होंने भी सजेशन दिया कि 5S पे या क्वालिटी सर्कल पे वर्कशॉप करनी चाहिए, प्लस ट्रेनिंग और ड्रिलिंग ड्रिल वर्कर्स का हो, तो उससे सेफ्टी प्रिकॉशंस लोगों के मन में, जैसे अभी साकेत जी ने कहा कि भाई वो मोबाइल लगा करके सब लोग वर्क करते हैं, तो बेसिकली ट्रेनिंग से ही इन सब चीज़ों को हम खत्म कर सकते हैं। और मैं आज मौजूद हमारे बीच ब्रिलेश जी जो EDF हैं हमारे, उनके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और हम चीज़ों हमारी चीज़ों को उन्होंने जवाब दिया और इसका सोल्यूशन बताए। हमारे बीच उपस्थित श्री वाई के गुप्ता जी जो पब्लिक चेयरमैन है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सब चीज़ों को बड़े ध्यान से सुना और सभी की कोशिश करी, सभी के क्वेरीज को जवाब देने की कोशिश करी, और उम्मीद करता हूँ कि सबको उसका सोल्यूशन मिला होगा। हमारे बीच उपस्थित श्री अंकुर जी, श्री राजीव बंसल जी, मोहम्मद उमर जी, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ। अंत में बस एक बात को कहते हुए मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करना चाहूँगा कि
सब कुछ होने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद भी, ईएसआई पीएफ से कवर होने के बाद भी दिक्कत सिर्फ ये आती है कि उस टाइम में अगर कोई फैक्ट्री में वर्कर की कैजुअलिटी या कोई हैपनिंग होती है तो शासन प्रशासन से लेकर के लेबर वर्कर्स और लेबर डिपार्टमेंट सब उसमें नेग्लिजेंस की बात करते हैं कि साहब इंडस्ट्री में ऑनर की तरफ से नेग्लिजेंस रहा, और उस नेग्लिजेंस की रिपोर्टिंग का एक जो बंदूक दिखाते हैं उसकी वजह से वहां पर जो कम्पनसेशन की बात होती है उस पर बस थोड़ा सा अगर सरकार जैसे भी जो नए कोड बन गए हैं और नए कोड में वर्कर को डिफाइन करके इन्होंने एम्प्लॉय की तरफ कर दिया है, अगर इसमें कुछ राहत मिले तो मेरे को लगता है कि जो हमारी एम्प्लॉयज की भी कुछ बात या कुछ राहत मिलेगी। और मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2-3 महीने में जो नए कोड बने हैं उनसे एम्प्लॉयज को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, ताकि एक देखिए जब तक एम्प्लॉय है और जब तक एम्प्लॉयर है, बिना दोनों के ना इंडस्ट्री चल सकती है ना एम्प्लॉय का काम चल सकता है, दोनों एक तरह से एक साइकिल के दो पहिए हैं, बिना इनके कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती और बिना इनके कोई भी वर्कर अपनी जीविका नहीं कर सकता। तो हम दोनों में एक आपस में समन्वय हो जाए और सरकार की तरफ से भी अगर इसमें कोशिश की जाएगी तो मेरे को लगता है कि हम और सेफली और हेल्दीली अपनी फैक्ट्री को चला पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों से मैं आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद। बहुत अच्छी बात सर, आयुष्मान के साथ लिंक करके सर वाई के गुप्ता जी कुछ करने करवाने वाले हैं इसको ईएसआई के संबंधित में आयुष्मान में, तो डेफिनेटली ही विल आल्सो गेट समथिंग डन। नमस्कार सर, सबको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार आलोक भाई, बहुत धन्यवाद। आप बीके साहब बहुत बहुत धन्यवाद, उमर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार, नमस्कार जी, उमर जी, इट वाज वेरी एनलाइटिंग, धन्यवाद कि उन्होंने बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम किया। थैंक यू। और अंकुर संगल जी, थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी।